चलो यार प्लीज एवरीबडी क्वाइट गुड मॉर्निंग चैंपियंस कैसे हैं आप सब लोग आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड फॉर टूडे सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड यही एनर्जी होनी चाहिए गुड मॉर्निंग वर्चुअल स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग शांत हो जाओ जी और सुनते जाओ सब लोग पहली चीज प्लीज अब आपस में बातें बंद करेंगे प्लीज आपस के कनेक्शन ब्रेकअप करो प्लीज अपना ब्रेकअप करो भाई हेलो जिप योर लिप्स यार मैं चुन चुन के चुप कराऊं हेलो नाउ लेट अस स्टार्ट सबसे पहली चीज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ चीजें बोली थी आई होप आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी हो लाना यार सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था गाइज इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ आप अगर अपने नाम के आगे एफ सी ए फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट लगाते हैं और अपनी अफर्मेशन अगर आप लिख चुके हैं गुड फॉर यू नहीं लिखी है लिखनी बहुत जरूरी है ये पूरे स्टेप्स हैं सक्सेस के तो विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड बाई स्कोरिंग अ रैंक पासिंग वॉट एवर इज योर गोल जो भी आपकी गोल सेटिंग है वो आपने कर रखी होगी सेट योर गोल्स आपने पास होना है रैंक लानी है क्या मार्क्स लाने हैं इस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स लाने आपने अगर इसमें नहीं लिखा हुआ लिखेंगे आप क्या गोल है वॉट डू यू वॉन्ट फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटी नाइनटी हंड्रेड इज अ लिटल डिफिकल्ट इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज इसमें थियोरी है एफ एम के साथ एस एम में थियरी आती है जिसमें कि वो फुल आउट ऑफ फुल जनरली नहीं देते हैं कोई ना कोई मार्क्स थोड़े से भी कट जाते हैं तो यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 95, 96, इतने तक तो आ जाते हैं और अगर आपने अपने पेरेंट्स को बताया गुड फॉर यू अगर नहीं बताया आपको बताना है अपने गोल्स कम्युनिकेट टू योर लव्ड वंस कम्युनिकेट योर गोल्स टू योर लव्ड सो दैट वेन यू बिलीव इन योर सेल्फ

आप अपने लव्ड वंस को मेक प्राउड करेंगे उनको कम्युनिकेट करना है ताकि कभी इफ यू फील डाउन दे मेक यू रियलाइज ऑफ योर पोटेंशियल एंड योर बिलीफ एंड योर गोल्स एंड दे सपोर्ट यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपका गोल रैंक का है तो आपके एफर्ट्स भी रैंक के होंगे आपकी प्रिपरेशन भी रैंक के हिसाब से होगी अगर पास का है तो पास में कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है बड़ी सिंपल सी बात है गोल्स के हिसाब से आपके प्लान और आपके एफर्ट्स होंगे आपके प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान आपने अपना प्लान बनाना है अभी तो राइट नो प्लान इज जस्ट टू अटेंड द द क्लासेस रिवाइज क्लास वर्क डू योर होमवर्क एट द एंड ऑफ द चैप्टर इफ यू कैन गिव द टेस्ट ग्रेट इफ यू कांट गिव माई टेस्ट एटलीस्ट वॉच द वीडियो मैं हर टेस्ट की वीडियो डिस्कशन दूंगा एटलीस्ट वॉच द वीडियो डू इट एज अ होमवर्क डजेंट मैटर बट करना है नजर से निकलना चाहिए सारा और मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमैक्स प्लान जब आप मेरे साथ एक टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिसको कि हम लोग कहते हैं बजटरी कंट्रोल उस टाइम पे मैं आपको बजट सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं मैं आप लोगों के आपके अपने लिए प्लानिंग कैसे करनी है पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा

प्लान होना चाहिए इतना ट्रेवल टाइम है इतना क्लास का टाइम है इतना होमवर्क का टाइम है एटसेट्रा एटसेट्रा ब्लेस यू वेरी इंपॉर्टेंट एट्टी परसेंट का जरूर होना चाहिए एंड हैव 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 टू 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 सेट सेट योर गोल्स आपने डेडलाइन सेट करनी है ऑर्गेनाइज योर टास्क एज पर देर इंपॉर्टेंस वील डिस्कस दिस सम अदर डे हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट हाउ टू प्रायोरटाइज वॉट थिंग्स शुड कम फर्स्ट मैं पहले ही बोल रहा हूं शुरुआत में भी बोला आज भी बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नंबर वन देन इज एनी अदर गोल्स सी ए का कोर्स करना डिग्री लेना इज जस्ट अड स्टोन इन योर लाइफ इट्स नॉट लाइफ ऑब्वियसली इट्स अ माइल्ड स्टोन एंड यू हैव टू अचीव इट

डू नॉट मिस योर क्लासेस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करो रेगुलरली वर्चुअल स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों के रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस चाहिए मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ फेस टू फेस वाले रेज हंड करते हैं आपको मुझे यहाँ पर टाइप करके जवाब देना है आई शुड नो दैट यू आर अटेंडिंग द्लासेस यस नहीं पूछता हूं तो कोई जरूरत नहीं है अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑब्वियसली आस्क एंड जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है अगर कोई होमवर्क मिल रहा है यू हैव टू डू योर होमवर्क डेली रेगुलरली मैं एक सिंपल रूल बताता हूं आप रोज सांस लेते हैं आप रोज पानी पीते हैं तो उस हिसाब से आप रोज खाना खाते हैं आप रोज जब जिस दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं उस दिन तो पक्का होमवर्क आपको करना ही करना है इट्स एज इंपॉर्टेंट एज यू ब्रीदिंग ड्रिंकिंग ईटिंग नित नियम नित क्रिया रेगुलर बेसिस पे यू हैव टू डू एंड क्लास एंड होने के बाद आपको सिर्फ होमवर्क घर जाके होमवर्क नहीं करना है होम में वर्क नहीं उससे पहले जो क्लास में हुआ यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू लर्न दैट डे आपने क्या सीखा को रिवाइज रिवाइज डॉट मीन डू इट इन राइटिंग जैसे आज हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे आज हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर रहे हैं पहला तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे यस आपको घर जाके फिर से वो क्वेश्चन नहीं करने हैं आपने कॉन्सेप्ट जो लिखवाए गए समझाए गए उसको जस्ट पढ़ना है क्वेश्चन अगर देख के क्वेश्चन और आंसर पढ़ना है पढ़ो कोई भी क्लास चाहे थियोरी चाहे प्रैक्टिकल 10 टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर रिवाइज होना हो जानी चाहिए 30 मिनट्स की थ्री आवर्स की क्लास 10 टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी क्लास रिवाइज हो जानी चाहिए यू हैव टू जस्ट फ्लिप द पेजेस 10 मिनट लगाओ सुपर लेवल है कि आज बहुत सारा कंटेंट हो गया भाई तीन साढ़े तीन घंटे की तो तो आपकी रिविजन हो चुकी होगी नॉट मीन दैट आपको फिर से जो क्लास में लिखा है उसको लिखना है नोप नॉट एट ऑल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने अपने प्लान्स बनाने हैं आपने यूटिलाइज करना ट्रैवलिंग टाइम मुझसे कई बच्चे मिले सर हम दूर से आते हैं हमारा वन आवर वन वे ट्रेवलिंग टाइम है फेस टू फेस स्टूडेंट्स गुड यूटिलाइज योर ट्रेवलिंग टाइम यूटिलाइज योर ट्रेवलिंग टाइम आई हैव ऑलवेज टू यूटिलाइज टाइम मैं आपके पास यहां आते आते भी मैं आई कार आई हैर्कड ऑन योर प्रेजेंटेशन ओवर हेयर वापसी में जाते समय मैं क्वेरीज रिजोल्व करता हूं वापसी में जाते समय मैं मेरे को कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स पर्सनल कॉल्स कुछ भी करनी है वो करता हूं यूटिलाइज योर ट्रेवलिंग टाइम द वे एंड प्रायोरिटाइज ऑब्वियसली वॉट इज योर प्रायोरिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मेक योर प्लान इन राइटिंग दोज हु टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल अगर आपने प्लानिंग नहीं करी अभी से पहले स्कूल लेवल पे डजेंट मैटर पर अब नहीं करी वेन योर कोर्स गेट्स ओवर ज दी वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू क्योंकि यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल सो यू नीड टू मेक प्लान एंड प्लान इन राइटिंग तो जब आप बजे कंट्रोल मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा मीनिंग लिखवाऊंगा बजट्स आर रिटर्न प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा क्या आप बजट्स बनाते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपको प्रायोरिटाइज करना है आपको सेट करना है ये तो मैं बता ही चुका हूं वैसे व्हेन यू प्रायोरिटाइज ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ गेट्स वर्क डन जब भी आप प्रायोरिटी सेट करते हैं और बट ऑब्वियसली बात है ये ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया था टाइम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपके स्टेप्स हैं आपने गोल सेटिंग अभी कर ली है फिर आपने प्लान योर वर्क करना है फिर वर्क ऑन योर प्लान करना है फोकस रहना है सक्सेस इज योर्स बट प्लीज डू नॉट थिंक दैट सक्सेस इज अ डेस्टिनेशन नो सक्सेस इज जर्नी एक माइलस्टोन स्टोन अचीव होगा फिर दूसरा आएगा आपने फाउंडेशन क्लियर आ, किया इंटर आ गया इंटर क्लियर किया आर्टिकल आर्टिकलशिप आ गई अच्छी जगह से आर्टिकल आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली करना शुरू कर दिया उसके बाद फिर आपका जो है फाइनल के एग्जाम्स आ गए फाइनल के एग्जाम्स क्लियर हुए अब जॉब प्रैक्टिस टीचिंग वॉट एरिया यू वॉन्ट टू परस्यू बिजनेस करना है स्टार्टअप करना है वॉट यू वॉन्ट टू परस्यू देन वो आ जाएगा फिर उसमें भी माइल होंगे सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन इट्स अर्नी एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट दिस पार्ट ऑफ इट लेट स्टार्ट टूडेज क्लास आज का चैप्टर है गाइज लीवरेजिस ना आप सब लोग प्लीज एक फ्रेश पेज ले लीजिएगा और फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल दीजिएगा लीवरेजिस और हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं देखिए बेस से डिस्कस करेंगे अभी मुझे आपकी बुक ओपन नहीं चाहिए बुक बंद रखना बुक खुलवाऊंगा ठहर के इट विल टेक अस टाइम पहले हम लोग बेसिक समझेंगे बुक की अभी जरूरत नहीं है नाउ लिसन केयरफुली बुक सामने रखो रजिस्टर के नीचे रखो राइट नाउ वी डोंट नीड कैलकुलेटर भी एक डेढ़ घंटे बाद ही चाहिए होगा बिफोर ब्रेक आई डोंट थिंक दैट आई मेक यू यू नो डू एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक नाउ कमिंग बैक टू दिस प्लीज एवरीबडी वंस अगेन कनेक्ट योर माइंड टू माइंड जस्ट लाइक योर फोन कनेक्ट टू द वाई फाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का कनेक्शन मेरे साथ होना चाहिए आपस में नहीं नाउ लेट स्टार्ट जो टर्म लीवरेज है ये टर्म लीवरेज डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड लीवर ये जो वर्ड है लीवरेज जो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक पढ़ रहे हैं इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लीवर लीवर को कैसे डिफाइन किया जाता है आपने साइंस में कभी अगर पढ़ा हो लीवर बहुत अच्छी बात है ऐसा कोई आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा लीवर ये फैलक्रम मैन लिफ्टिंग अ स्टोन विद अ लीवर। तो व्हाट इज अ लीवर? अ लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स एनी हाउ आप में से कितने लोगों ने मैंने प्यार किया मूवी देखी है गुड जिन्होंने देखी है गुड फॉर यू जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं उसमें चार मेन कैरेक्टर्स है मूवी में हीरो सलमान खान हीरोइन भाग्यश्री तीसरा नंबर कबूतर चौथा नंबर लीवर और लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन जिसमें कि सलमान खान का बाप सलमान खान के एक्शंस की वजह से मरते मरते बचा वो सीन देखना है आइए देखते हैं दिस इज सलमान खान दैट इज इज बापू जी अस सी देखो जी ऐसा है सलमान खान नाराज सिर को लाओ ये अगर आपको दिख रहा है दिस इज लीवर एंड हमारा हीरो सलमान खान जो है एंड ऑल द फोर कैरेक्टर्स चारों के चारों कैरेक्टर्स आपने लास्ट सीन में देखे गुड फॉर यू नाउ वॉट आर वी टॉकिंग अब लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट अप है अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीवर की इनोवेशन हुई है जैसे आपने अगर कभी गाड़ी को लिफ्ट करने वाला लीवर देखा हो गुड फॉर यू है ऐसा कुछ एक लीवर आता है न लिफ्टअपेवी ऑब्जेक्ट्स तो लीवर के हेल्प से आप इस तरीके से हैवी ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हो और लीवर ऐसे होते हैं अदरवाइज अगर आपने और देखते हैं तो एक और लीवर दिखाते हैं लाओ यार इनको एक और तरह का लीवर दिखाते हैं बाई फुल स्क्रीन लगाते सो so, लीवर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्टअपेवी ऑब्जेक्ट्स आपने देखा अलग अलग तरह के लीवर होते हैं ऐसे भी होते हैं गाड़ी का जाग वैसा भी होता है ऐसा भी होता है एंड अदरवाइज आपने पंप का लीवर देखा होगा लाना यार आपने इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरिंग लिटिल एफर्ट्स थोड़े से एफर्ट से बड़े रिजल्ट तो ये पंप का लीवर भी देखा होगा मे बी आप में से लड़के लोग हेयर सलून और लड़कियां लोग ब्यूटी पार्लर या वो हो, क्या होती है वो नहीं वो क्या होता है स्लो नहीं होता है उसको कुछ और कहते हैं यार बुटीक बुटीक कहते हैं बुटीक में वो नहीं होता कपड़े तो, तो, तो कपड़े होते हैं लड़का कह रहा है डेंटिंग और पेंटिंग शॉप मैं नहीं खेल रहा यार इनके साथ But anyhow, let's not go into that. So once again, lever is an instrument used to lift up heavy objects or an instrument that requires little efforts. ye bhi lever hai झूला jhul rahe hain Now मुद्दे की बात पे आते हैं। सुनो भाई hello listen very very carefully. Now आप लोग सब लोग मुझे जवाब देंगे। Once again, आपने पीछे भी ऐसा सवाल सुना हुआ है मुझसे कि अगर एक बॉटल है इस बॉटल में अगर मैं कहूं तो हाफ बॉटल इज एम टी हाफ बॉटल इज फुल या फुल बॉटल में आधा पानी आधा हवा है ये अलग अलग प्रस्पेक्टिव हैं लोगों के अलग अलग प्रस्पेक्टिव हैं अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं एंड लिसन वेरी केयरफुल देखो इंसान के अलग अलग प्रस्पेक्टिव होते हैं अलग अलग इंसानों के अलग अलग प्रस्पेक्टिव होते हैं कोई कहता है हाफ एम है कोई कहता है हाफ फुल है तो मैं लीवरेज को भी आपको डिफरेंट प्रस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा जो लीवरेज चैप्टर है उसके दो प्रस्पेक्टिव सिखाऊंगा एक प्रस्पेक्टिव सिखाऊंगा लीवरेजिस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क दिस इज वन परस्पेक्टिव वन साइड ऑफ द कॉइन लीवरेजिज आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क एक ये परस्पेक्टिव सिखाऊंगा दूसरा साइड ऑफ द क्वाइन सिखाऊंगा आपने कहावत सुनी हो हायर द रिस्क सॉरी हायर द रिटर्न नहीं है हायर द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न हायर द रिटर्न फिर तो हमेशा ज्यादा रिस्क ले लो बस रिटर्न ज्यादा आएगी नो यू आर मेकिंग इट्स यू आर साउंडिंग लाइक रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न ज्यादा ही आएगी सॉरी हायर द पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं हायर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न पोटेंशियल दिया था बंदा जुआ खेल रहा है, कहता है मुझे 60 बंदा सा कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है कहता है मुझे 20 परसेंट रिटर्न चाहिए बंदा एफडी कराता है कहता है यार मुझे दस परसेंट रिटर्न चाहिए बैंक में पैसा जमा कराता है आरबीआई है, के ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेजरेबल्स खरीदता है कहता है मुझे पांच रिटर्न चाहिए बिकॉज आरबीआई के ट्रेजरी बॉन्ड यार आरबीआई तो नोट छाप रही है उसने अगर ट्रेजरी बॉन्ड इश्यू कर दिए तो उसमें क्या रिस्क है तो हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशन या पोटेंशियल ऑफ रिटर्न सो वंस अगेन मैं लीवरेजिस को दो प्रस्पेक्टिव से सिखाऊंगा नंबर वन इज लीवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क आज की क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास इसी प्रस्पेक्टिव पे हैं. लीवरेज इज द टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसी को एंगल को स्टडी करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर लीवरेज ज्यादा है तो हमारा रिटर्न फॉर ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा पोटेंशियल है ज्यादा एक्सपेक्टेशन है विद लिटिल एफर्ट वी कैन गेट बिग रिजल्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं लिटिल एग्जांपल देता हूं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं ये वाला परस्पेक्टिव आज नहीं सिखाऊंगा बट आज दिखा रहा हूं कि हमने आगे चल के करना है इमेजिन करो सोचो एक एयरलाइन इंडस्ट्री की कोई कंपनी है या एक लेट्स एग्जांपल, एयरलाइन कोई कंपनी है या फाइव स्टार होटल है अब सोचो फाइव स्टार होटल बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितना ज्यादा तो इनका किराया होगा कितना ज्यादा इनका भी 24 घंटे इनके बिजली के बिल आ रहे होंगे कितने सारे एयर कंडीशनिंग कितना सारा स्टाफ सैलरी कितना सारा लाइटिंग इतना तरह का फिक्स खर्चा तो हम ना खर्चों को कॉस्ट को आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर भी है वहां पर एक एरिया है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इसके और भी नाम है वेरिएबिलिटी में आपके लिए सिंप्लीसिटी के लिए बोल रहा हूं कि वेरिएबल और फिक्स्ड बट वेरिएबिलिटी के अलावा इसको वेरिएबिलिटी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कई तरीके से आप इसे कह सकते हो ठीक है जी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी मेरी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आया वेरिएबिलिटी अगर मेरी आउटपुट या जैसा भी है लेवल ऑफ एक्टिविटी मैंने जितना एक्टिविटी कर रहा था उससे एक्टिविटी बढ़ा दिया घटा दी तो मेरी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आया वेरी हुई या नहीं हुई तो वेरिएबिलिटी एक्टिविटी आउटपुट ब्रॉडली बहुत क्लासिफिकेशन है चार क्लासिफिकेशन फेमस है बट मेन दो क्लासिफिकेशन है एक है वेरिएबल कॉस्ट दूसरी है फिक्स कॉस्ट सो वट एम आई टॉकिंग अबाउट गाइस लेट मी कंप्लीट माई एग्जाम्पल वापस आता हूं फाइव स्टार होटल है कितनी ज्यादा उसकी फिक्स कॉस्ट होगी कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा है कितनी ज्यादा अब सोचो इमेजिन करो इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स लीज पे लेते हैं लोग कितना हैवी लीज रेंट होता है एक्सट्रीम हाई लीज रेंट अब इनके ऊपर से यार हर कोई देखो हर कोई कार चला लेता है लेकिन हर कोई प्लेन नहीं उड़ा सकता तो हैव स्पेश क्रू ठीक है जी तो पायलट एंड अदरवाइज क्रू मेंबर्स वॉट एम आई टॉकिंग अबाउट गाइस एयरलाइंस की ह्यूज फिक्स कॉस्ट है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट है इसी तरीके से फाइव स्टार होटल्स की बहुत ज्यादा

जो उनका प्रोडक्ट था उसके हिसाब से कि भाई मेरे को इससे रेवेन्यू आता है भाई आप वो देखो आप बेच कर रहे हो यू आर नॉट सेलिंग फिल्म यू आर नॉट सेलिंग दिस पेपर यू आर नॉट सेलिंग दिज कैमराज एंड रील्स यू आर सेलिंग मेमोरी सो अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड देन यूल अंडरस्टैंड द कस्टमर एनी हाउ मी टेल यू वॉट एम आई टॉकिंग अबाउट ये जो एयरलाइन है या ये जो फाइव स्टार होटल हैं ये जो एयरलाइन या ये जो फाइव स्टार होटल्स हैं इनके बहुत हैवी अमाउंट हैवी इंसिडेंस हवा हाईवी हैवी जो है फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट होता है इनके ऊपर तो लेट मी टेल यू तो इसकी वजह से इस फिक्स कॉस्ट की वजह से इनको रिस्क पैदा होता है इस फिक्स कॉस्ट की वजह से इनको रिस्क पैदा होता है कि भाई ये रिस्क है खा जाएगा मगरमच्छ नाउ मुद्दे की बात पे आते हैं लेट मी गिव यू फर्दर मोर एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको इंपैक्ट ऑफ लीवरेज का या हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल ऑफ़ रिटर्न का सुनना मेरी बात अब सोचो इमेजिन करो ये फाइव स्टार होटल है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट है इनकी सेल्स पहले साल में ईयर वन में इजेंड लैक्स इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट यार प्रैक्टिकली आप देखो आप किसी फाइव स्टार होटल में अगर कॉफी पीने जाते हो अगर वो कॉफी के आपसे चार सौ रुपए चार्ज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ना वेरिएबल कॉस्ट चालीस रुपए होगी हायर साइड पे टेन परसेंट से ज्यादा नहीं होगी बात जरा समझ लेना दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी तो अकॉर्डिंगली व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट से टू हंड्रेड लैक्स का इनका वेरिएबल कॉस्ट हुआ ठीक तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया अच्छा सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट करते हैं ना तो एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन ये टर्मिनोलॉजी जनरल टर्मिनोलॉजी अभी आप लोगों के लिए कई लोगों के लिए पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग बट काफी सारे लोग शायद जानते होंगे मैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूं वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट द एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट दिस इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है जी नेक्स्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम कैसे आया सोचो अगर आपका सेलिंग प्राइस दोस्तों सेलिंग प्राइस सौ रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट भी सौ रुपए है तो क्या यह प्रोडक्ट बेचने से कुछ कंट्रीब्यूट होगा बिजनेस में नहीं जो कंट्रीब्यूशन नाम आया ना वो ऐसे आया अगर सेल प्राइस सौ रुपए है वन ट्वेंटी और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हंड्रेड रुपीज है तो क्या इनका यह प्रोडक्ट कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यस इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्वेंटी तो ये जो टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन आया ना ये जो टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन आया कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं इट इज द एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट इफ सेल वैल्यू इज़ इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, द प्रोडक्ट या जो भी चीज सर्विस वॉट एवर यू आर सेलिंग इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग सो ऑलवेज योर सेल वैल्यू शुड बी मोर देन वेरिएबल कॉस्ट सो दैट इट कॉन्ट्रीब्यूट द रेवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिकवरिंग योर फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो ताकि फिर आप अपने प्रॉफिट जेनरेट कर सको अब एग्जाम्पल इनकी फिक्स है 1900 बहुत ज़्यादा है लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो पहले साल में तो इनको लॉस हो गया सौ लाख हंड्रेड लाख रुपीस का इनको जो है लॉस हो गया तगड़ा लॉस हो गया सॉलिड मस्त वाला अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको ये वाली चीज बोलता हूं सुनो मेरी बात हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा नहीं अब अगले साल इन्होंने मेहनत करी नेक्स्ट सेल्स बाय एक्सट्रीम मच बट दे इंक्रीज देयर सेल्स बाय लेट्स तो यार बीस परसेंट इन्होंने अगले साल सेल्स बढ़ा ली ट्वेंटी फोर हंड्रेड लैक्स हो गया और ट्वेंटी फोर हंड्रेड लैक्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो टेन परसेंट टू फोर्टी लैक्स ये आपकी कट्टा मारने के बाद बचा टू वन सिक्स जीरो लैख का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें से नाइनटीन हंड्रेड लैक्स का फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद टू सिक्सटी लैख का प्रॉफिट आप ये समझो इस बिजनेस में लीवरेज ज्यादा है विथ लिटल एफर्ट दे गेट बिग रिजल्ट इन्होंने मात्र 20% परसेंट सेल बढ़ाई है लेकिन इनका प्रॉफिट 360% परसेंट बढ़ गया आप देखो ना 100 लाख का लॉस 100 लाख का गेन में बदल गया मतलब जीरो हो गया वो 100% परसेंट चेंज और 260 मोर 360 सिक्सटी परसेंट अब चला गया है अमेजिंग मैं और एग्जाम्पल देता हूं अभी आपको पहले ही बता देता हूं लेट सेकेंड एग्जाम्पल सेल्स है 2000 लाख वेरिएबल कॉस्ट है 20 परसेंट दैट इज लेट्स सेकेंड एग्जाम्पल फोर हंड्रेड लैक्स ठीक ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आया 100 लाख सोलह सो सोलह लाख में से आपने लेस किया फिक्स कॉस्ट 1800 हंड्रेड लैक्स लेट से प्रॉफिट या लॉस फिर से लॉस हो गया यहां पर ठीक है जी इसको हम लोग ईबीआईटी कह देते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आया 200 लाख का लॉस अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं लिसन वेरी केयरफुली आप अपनी सेल्स यहां 25 परसेंट बतलो आपका 200 लाख का लॉस 200 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 200 लाख का लॉस ट्राई करते हैं लेट्स ट्राई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लैक्स कट्टा मारा पांच सौ लाख दो हजार लाख 1800 लाख दो सौ लाख का प्रॉफिट मुझे पहले ही पता था सर क्योंकि क्वेश्चन आप बना रहे हो आप बोलो कितना परसेंट बदलू उसमें मैं कर दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है थर्टी फाइव परसेंट बेटा राउंड फिगर ले अपने मैं ओवरली कैलकुलेट कर सकूं या नहीं तो कैलकुलेटर दो मुझे एक सेकंड के लिए तुम कोई भी परसेंटेज बोलो मुझे सिर्फ हायर साइड पे पांच सेकंड बोलना बोलो क्या परसेंटेज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ना हो गया एट ट्वेंट ठीक है जी ये आपका हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दो बेटा ये आपका आ जाएगा फाइव थर्टी थ्री के आसपास आ जाएगा क्योंकि तुमने राउंड नहीं बोला तो मैंने भी राउंड फिगर नहीं किया क्लियर राउंड फिगर अगर बोलोगे क्लियर राउंड आंसर आएगा थर्टी फाइव हो गया जी जी लो जी, ये आपका आ जाएगा समथिंग लाइक पांच सौ साठ के आसपास ट्राई करें आउट ट्राई करते हैं लो जी प्लस थर्टी फाइव परसेंट बताना कितना आया ये मेरे हिसाब से आई थिंक 560 के आसपास आना चाहिए बताने यार ये कि कितना हो गया 2700 इसका 20 परसेंट काटो 540 ये बताओ कितना आया 2160 कितना हो गया 560 का डिफरेंस माय बैड सो सॉरी 560 का डिफरेंस आई आई कैलकुलेटेड द डिफरेंस नॉट प्लस 560 ये 360 होगा सिक्सटी ये प्लस फाइव सिक्सटी मैंने इसकी कैलकुलेशन करी थी तो ये कितना हो गया ये एटीन हंड्रेड लाख थ्री चेंज है ये जो चेंज है सुनना मेरी बात ये पच्चीस परसेंट पे ध्यान से सुनना दो सौ परसेंट बदला है ये पैंतीस परसेंट पे थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड ये 280 परसेंट बदला है एज द केस में भी 280 परसेंट बदला है थर्टी फाइव टू एट्टी परसेंट बदला है तो वट एम आई टॉकिंग अबाउट आप अगर देखोगे ध्यान से सुनना मेरी बात ये फाइव सिक्सटी चेंज हो गया ना पांच सौ साठ बढ़ गया 200 नेगेटिव से 360 पॉजिटिव आया कितना चेंज हुआ 560 चेंज हुआ वो 560 जो चेंज हुआ है 560 इन रिलेशन टू 200 कितना होता है 20, 280 अभी आपको ये वाली चीजें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि मैंने समझाई भी नहीं है दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट ये वाली चीज बाद में खोलूंगा ये वाली चीज बाद में खोलूंगा विद लिटिल एफर्ट देखो ना मात्र 25 परसेंट मात्र 25 परसेंट से यह 200 परसेंट बदल गया मात्र 35 परसेंट सेल बढ़ने से यह जो है 280 परसेंट बदल गया क्यों बिकॉज हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न हायर द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न वी विल बी स्टडिंग दिस देखेंगे बाद में थैंक यू सो गाइज वट एम आई टॉकिंग अबाउट आप लोग मेरे साथ चल के अभी इस पे फोकस मत करना दिस इज दिस इज समथिंग इसको मैं कहता हूं इंपैक्ट ऑफ लीवरेज ये इंपैक्ट ऑफ लीवरेज बात की बात है अभी इस पे फोकस नहीं है हमारा सो डोंट फोकस ऑन दिस लेट मी स्टार्ट टूडे क्लास मैं आपको बोल रहा हूं ये हमने आगे चल के पढ़ना है जस्ट एक नजर मारी है ताकि आज आप लोग इसको देख लो जब आगे ये खुल के आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अभी मैं सिर्फ रिस्क सिखाऊंगा और उस स्टेज पे मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है आज नहीं आज नहीं आज पहली क्लास है आज ये हैवी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा आज आपसे सिंपल एक सवाल पूछा जाएगा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों ध्यान से सुनना कंपनी जो है वो लोग अपना धंधा करने के लिए कुछ फिक्स कॉस्ट से अपने आप को बर्डर्न करती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वंस अगेन इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अ कंपनी या अ अ बिजनेस एंटिटी या फर्म में बर्डन इट सेल्फ विद ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेट मी गिव यू ऑफ ऑपरेटिंग दिक्स कॉस्ट अभी मैंने बोला था एयरलाइन इंडस्ट्रीज में उनका रेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट लीज रेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट उनके पायलट एंड एंटायर क्रू की सैलरीज, उनके ऑफिस का रेंट उनका फिक्स बिजली का बिल उन्होंने कोई अपनी मोबाइल ऐप वेबसाइट बना रखी है उसकी charges, charges, तन्खाएं, फिक्स मेंटेनेंस चार्जेस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस उनके डायरेक्टर्स की तनख्वाहें फिक्स तनख्वाहें सिर्फ और सिर्फ बाय काउंट ओनली क्रू ऑल्सो काउंट द मेंटेनेंस स्टाफ जो उनकी मेंटेनेंस करते हैं

तो हम उन्हीं से मेंटेनेंस कराते हैं तो उसके वो फिक्स एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं कि भाई जो मर्जी है आपके इतने प्लेन्स है ठीक है हमने इतना आपका फिक्स चार्ज करना है थैंक यू सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस एंटिटी में बर्डन इट्स विथ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड चाहे आपकी सेल्स कम हो चाहे ज्यादा हो दीस फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल आप लोग सोच के जवाब दीजिएगा एक कंपनी है जिसकी की फिक्स कॉस्ट है एक लाख और एक कंपनी है जिसकी की फिक्स कॉस्ट है एक हजार लाख ये है एक्स लिमिटेड ये है वाई लिमिटेड प्लीज एमसीक्यू सी एवरीबडी हेलो Everybody face to face, virtual, everybody has to answer. The question goes this way. Everybody answer, please. The question goes this way X Limited has a fixed cost of rupees 1 lakh per annum. Y Limited has a fixed cost of rupees 1000 lakh per annum. Which company has more? ऑपरेटिंग रिस्क विच कंपनी हैज मोर ऑपरेटिंग रिस्क मैं आपसे ऑप्शन दे रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं एक्स लिमिटेड रेज योर हैंड एक्स लिमिटेड हैज हायर ऑपरेटिंग रिस्क एक्स लिमिटेड मैंने आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आई डोंट नीड यू टू स्पीक एनीथिंग आई जस्ट वॉन्ट यू टू आंसर हाउ मेनी ऑफ यू से एक्स लिमिटेड कोई है कोई नहीं है जॉरिटी वर्चुअल स्टूडेंट जवाब नहीं आ रहे बड़ी गलत बात है आप लोग फिर मेरे से पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ हांजी ऑप्शन थ्री कांट से ये तो कई लोग बदल गए लुच्चे ये तो दल बदलू हो गए

यहां पर वैसे इधर भी वर्चुअल में भी मैक्सिमम के ही आए और कांड से के फिर बाद में कई लोगों ने बदल भी दिया शैतान तुम्हारी तरह और लास्ट बट द लीस्ट इसकी सेल्स है वन लाख लाख वन लाख लाख ठीक है जी अब लेट मी राइट फर्दर मोर एक चीज और रह रही है वो भी लिख देता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन सो कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर हेयर इज वन पॉइंट जीरो वन लाख एंड हेयर इट इज ट्वेंटी थाउजेंड लाख एट्टी थाउजेंड लाख इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं इसका ई बी आई टी इंट जीरो वन लैख या एक हजार ठीक है जी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है सेवेंटी नाइन थाउजेंड लैक्स ना वन सेकेंड हेलो लिसन वेरी वेरी केयरफुली मैंने आपको दो कंपनीज की फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया हेलो पानी पियो पानी पियो इधर ध्यान दो बातें नहीं करो मैंने आपको दो कंपनीज का फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट से रिस्क नहीं पता चलता इसकी एक हजार लाख की फिक्स कॉस्ट है उसकी एक लाख की फिक्स कॉस्ट है आप में से मेजोरिटी ने मेरे को बोला यहां पर भी मेजॉरिटी जो वर्चुअल स्टूडेंट्स है उन्होंने मुझे बोला Why limited has higher risk? क्योंकि आपने देखा amount of fixed cost ज्यादा है Sorry, amount of fixed cost से नहीं पता चलता risk। Impact of fixed cost से पता चलता है Impact of fixed cost। आपने कभी भी कभी भी किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है माइंड यू तो आपने हमेशा देखना है बिफोर एंड आफ्टर कहने का मतलब सिंपल सी बात बोलते हैं टेक एन एग्जाम्पल दिस इज के के का बड़ा भाई सुपर हैवी वेट चैंपियन ठीक है जी एंड दैट इज उनकी शरीके हयात या उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी और यह है उनकी सुपुत्री नाउ सिंपल इफ एवर यू हैव टू सी द इंपैक्ट ऑलवेज सी बिफोर एंड आफ्टर बोले तो ओला डिंग 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 Okay. Hola, uh, ¿Cómo tal? 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 Sun We should go and get a room. No. If you want. Now, yar, suno, bhai, hello. Shyant ho jao. Coming back to this, I'll tell you when my younger one was born. at that point of time i was 107 kg my wife nitu ma'am and i both of us went through a very bad phase after she was born my mom was hospitalized my mom was on ventilator for 6 months last 6 months it was the most pathetic time of our life and her life the worst part of our lives till date ka and honestly what i am telling you is i was at that point of time when my mom died again i was 106 107 kg i was not working out आई वॉज जस्ट फोकस्ड मम्मी के साथ और क्लासेस आई डिड नॉट कैंसल एनी क्लासेस माई क्लासेस दैट इज वॉट माई पेरेंट्स है वही चीज मेरे को बुखार में उन्होंने स्कूल भेजा तो आज भी मैं बीमार भी हूँ मै इफ आई एम इन पेन आई प्रेफर नॉट टू लेट यू नो बिकॉज इट्स माई पर्सनल प्रॉब्लम इट्स नॉट योर प्रॉब्लम सो Then when my mom passed away, we took a resolution me and ma'am that we'll take care of our health as much as we can. It took maan ke chaliye डेढ़ दो साल में I was at 90 के जी then अब ये rotate करता रहता है 86 to 90 की range में rotate करता रहता है

वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रिस्क मेजर करना है ना हमेशा आपको अगर देखना है किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है तो आपको हमेशा देखना है लाओ यार, आपने में लड़की को जाने से पहले और फिर ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद दुष्ट कह रहा है वाइट वॉश जिम जाने से पहले लड़का और फिर रेगुलर जिम वर्कआउट के बाद सिमिलरली जिम जाने से पहले लड़की और रेगुलर वर्कआउट के बाद हटा दो यार से ये लोग शैतान लोग हैं तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट गाइस ऐसा है लाना यार से जरा रिस्क को देख रहे थे हम लोग तो मैं आपको कह रहा था एक कंपनी जो है को दो तरह के रिस्क हम लोग इस चैप्टर में दो तरह के रिस्क और फिर उनका कंबाइंड रिस्क को मेजरमेंट देखेंगे एक हमारा होता है रिस्क टाइप्स अगर बोले तो एक हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क नंबर वन इज ऑपरेटिंग रिस्क या वी ऑल्सो कॉल इट बिजनेस रिस्क एंड द सेकेंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क फर्स्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क दूसरा नाम बताओ उसका बिजनेस रिस्क और दूसरे का नाम फाइनेंशियल रिस्क नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली क्या है सबसे पहली चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इज ऑपरेटिंग रिस्क सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इज ऑपरेटिंग रिस्क देखो दोस्तों ऐसा है एक कंपनी अगर बिजनेस करती है तो बिजनेस करने के लिए किसी भी बिजनेस एंटिटी को अपने आप को फिक्स कॉस्ट से बर्डन करना पड़ता है विजुअलाइजेशन देखो वन सेकेंड इन ऑर्डर टू कैरी डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ठीक है जी डे टू डे ऑपरेशन के लिए अ कंपनी या अ फर्म हैव अफर्म मेंन इट सेल्फ विथ कॉस्ट अपने सर पे कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का बर्डन बांधना पड़ता है या रखना पड़ता है कहने का मतलब है इेस्पेक्टिव आपकी सेल्स कम है या ज्यादा है या नहीं है ये फिक्स कॉस्ट हो रही है लॉकडाउन हुआ कंपनीज की सेल्स बंद हो गई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्स बंद हो गई क्या उनके किराए बंद हो गए नहीं क्या उनका इंश्योरेंस भी बंद हो गया नहीं तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए और तनख्वाहें भी एकदम से आप कहते हैं जीरो नहीं वर नॉट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज कैसी फिक्स कॉस्ट किस तरह की फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सच एज फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई बिजनेस एंटिटीज हैं वो फिक्स इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ मीटर लेते हैं तो वो फिक्स बिल आएगा ही आएगा जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया फाइव स्टार होटल है भैया चल रहा है उनका इलेक्ट्रिसिटी ऑन है जो मर्जी कर लो आप उनका रिसेप्शन का एसी ऑन होगा शैंडल में लाइटें जल रही होंगी उनका रिसेप्शन हमेशा ऑन रहेगा लाइटें जलती रहेंगी एंड सो ऑन फिक्स सैलरीज उनके स्टाफ कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई मैन्युफैक्चरर है किसी भी तरह का कोई सर्विस सेक्टर है उनकी फिक्स सैलरीज फिक्स टेलीफोन रेंट भैया हर महीने का टेलीफोन का बिल जाना ही जाना है आना ही आना है पेमेंट करनी करनी है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कोई मशीन किराए पे लेनी पड़ सकती है अगर आपका एयरलाइन का बिजनेस है उसकी लीज रेंट देना पड़ सकता है तो चाहे जो मर्जी हो जाए आपकी ये फिक्स कॉस्ट होती रहेंगी आपके ये बिल आते रहेंगे तो दिस रिजल्ट इन अ रिस्क दैट इस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल ये बिल आते रहेंगे दिस फिक्स कॉस्ट विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड ये फिक्स कॉस्ट होती रहेंगी तो गाइस मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना लिसन वेरी केयरफुली अगर आपने ब्यूटी पार्लर का क्या इंपैक्ट हुआ लड़की की लुक्स पे तो लुक्स बिफोर एंड लुक आफ्टर की फोटो कंपेयर करो जिम जमीन आसमान तुम्हें बड़ा पता है लड़के को बड़ा एक्सपीरियंस है अच्छा शांत हो जाओ जी नाउ लिसन लिसन हेलो लिसन लिसन आगे सुनो दूसरी चीज सेकेंड थिंग इज जिमिंग करने से पहले जिमिंग करने के बाद इंपैक्ट एंड जिम का इंपैक्ट ब्यूटी पार्लर के इंपैक्ट की तरह नहीं होता कि ये गए और बाहर निकले हो तो जिम का इंपैक्ट पता चलता है महीनों बाद इवन इयर्स लेटर तो डोंट से हो गया बस इंपैक्ट इट विल टेक टाइम दूसरा इसी तरीके से आप यहां क्लास करने आए उससे पहले आपका नॉलेज लेवल आपका फोकस आपका डिटर्मिनेशन आपका डिसिप्लिन और जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी मैं अभी एवरी क्लास के एंड पे नहीं बोलूंगा बट हाँ एवरी क्लास के बिगिनिंग में जो आपका नॉलेज लेवल था और एंड में देर विल बी ऑलवेज इफ यू हैव टू कंपेयर किसी चीज का इंपैक्ट कैसे पड़ा तो ऑलवेज कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर तो मेरी बात ध्यान से सुनना वंस अगेन बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर अब इसकी फिक्स कॉस्ट छोटी दिख रही है दूसरे के मुकाबले बट मैं आपका एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा यहां पर कोई मुझे आई नीड वन वॉलेंटियर ओवर हेयर आ जा भाई सिर्फ हमें लाना ओनली नहीं आ रहा तो मत आ मैं तो उसने रेजेंट किया मैंने बुला लिया आजा 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 पता नहीं किस बात की शर्म है नाउ लिसन भाई हेलो शांत हो जाओ तो ये आपके दोस्त हैं और मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा अभी सब लोग सुने मेरी बात और समझें हेलो थैंक यू मैं दोस्त तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे क्लासमेट को आई विल फिजिकली असॉल्ट एंड ही विल डू डू आई हैव दंसेंट यस सर एंड ही विल टेल यू उसको इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ हुआ क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ नो सर सुनो मेरी बात है लो ओसन क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नो no, सर नाउ प्लीज आंसर माई क्वेश्चन अब यही अगर प्रेशर यही लेवल अगर मैं चींटी पे लगाऊ तो मर जाएगी मर जाएगी तो इट इज नॉट द प्रेशर इट इज वॉट इज द इंपैक्ट ऑन द पर्सन द थिंग इज मैंने भाई को ये इंपैक्ट दिया ही सेज मेरे को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन चीटी है की जगह चीटी थी हो जाएगी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो गाइज ऐसा है मेरी बात ध्यान से सुनो भाई भाई के लिए दो चॉकलेट इट नीड्स इट रिक्वायर्स गट्स टू कम ओवर हेयर क्योंकि देखो पीछे तो मैंने लास्ट क्लास में तो बिना मर्जी के बुला लिया था आ जा बट यहां वॉलंटरली बुलाया है सो इट नीड्स गट्स टू यू नो कम इन फ्रंट ऑफ सो मच ऑफ क्राउड नाउ लिसन हो हेलो शांत हो जाओ वट आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज नॉट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट मेजर्स द रिस्क बट इट इज द इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट लाना यार इसे वापस लाना दोस्तों ऐसा है आप ये देख सकते हो हजार लाख का अमाउंट ज्यादा है लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ 80,000 लाख्स में से 1,000 लाख्स निकल गया इंपैक्ट क्या हुआ सेवेंटी नाइन थाउजेंड लैक्स बचा क्या कोई मेजर इंपैक्ट आया पर एक लाख निकला एक लाख एक हजार में से और एक हजार बच गया क्या मेजर इंपैक्ट आया यस yes, तो ऑलवेज एंड फॉर याद रखना कभी भी किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है तो ऑलवेज कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर तो so, लीवरेजेस का कॉन्सेप्ट जो है मैं पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं द फर्स्ट थिंग इज मैं ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट में कहते हैं डीओएल वंस अगेन बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर मी रिपीट In order to carry out day-to-day -day operations of the business, a business entity, business organization, firm, company may burden itself with some operating fixed costs such as fixed salaries, fixed rent, fixed insurance premium, fixed depreciation, fixed repairs, annual maintenance charges. And irrespective of the amount of sales, these fixed costs will be incurred. So the incurrence of such fixed cost causes. ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस उस बिजनेस को करने के लिए तुमने फिक्स कॉस्ट से अपने आपको बर्डन किया है तो दिस कॉज इज बिजनेस क्या भाई तुमने बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट से अपने आपको बर्डन किया बिजनेस करने के लिए तो दिस इज कॉजिंग यू बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेशन करने के लिए अब अल्टीमेटली वॉट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क क्या बिजनेसिस हम लोग क्या कहते हैं वॉट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्किस इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी क्या मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी वॉट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और यू कैन से प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट एंड वॉट इज ईबीआईटी नेट ऑपरिंग एनओपी भी कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट इज प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं दिस इज प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो अगर आप यहां देखोगे दोस्तों तो एक लाख एक हजार अपॉन एक हजार इज इक्वल टू एक सौ एक और यहां पर एट्टी थाउजेंड लैक् डिवाइड बाय सेवेंटी नाइन थाउजेंड प्लीज कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन बताओ वन पॉइंट जीरो वन टू काफी है द पॉइंट इज हेलो सुनना मेरी बात द हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज द हायर द ऑपरेटिंग रिस्क तो किसका ऑपरेटिंग रिस ज्यादा है एक्स लिमिटेड तो प्लीज क्या सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे आप बता सकते हो कि किसका ऑपरेटिंग ज्यादा है नहीं वी कांट से बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट सो नेक्स्ट टाइम थिंक एंड देन आंसर एंड इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक्स कभी घबराना नहीं गलती हो गई कोई बात नहीं अपन ने सीखना है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था या तो अर्निंग होगी या लर्निंग होगी लॉसेस कुछ नहीं होते और अटेम्प्ट करना है अपना बेस्ट देना है बस गलती होगी कोई शर्म की बात नहीं कोई तुम्हें जज टू हैक विद इट तुमने तुमने अपने एग्जाम देने तुमने अपनी जिंदगी देनी है तुमने अपनी लाइफ में सक्सेस या फेलियर तुम्हारा है तो अटेम्प्ट करो जो लोग अटेम्प्ट नहीं करते उनका कुछ नहीं हो सकता तो एवरीबडी नीड्स टू अटेम्प्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वन लास्ट टाइम आई वॉज सेलिंग यू फिक्स कॉस्ट का जो है

EBIT earning before interest and in tax earning before interest and in tax को EBIT भी कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जैसे आपने अगर कभी सुना हो ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं ठीक है जी तो अकॉर्डिंगली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शॉर्ट है इसका लेकिन साथ में इसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं तो हाउ डू वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन अपॉन

मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स सूच रहा हूं ठीक है जी हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डैश द ऑपरेटिंग रिस्क हायर प्लीज वर्चुअल स्टूडेंट्स टाइप करके भेजेंगे हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या डोल डैश द ऑपरेटिंग रिस्क हायर बहुत बढ़िया आई एम सो प्राउड ऑफ यू तो अभी अभी आपने मुझे ये वाली चीज बता दी है दैट हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और ये एकदम से नेक्स्ट भी आ गया मैं नहीं खेलूंगा उसके साथ दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे बट कोई बात नहीं आई होप नेक्स्ट ना पढ़ाओ अच्छी बात है अब मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूं प्लीज माई क्वेश्चन एब्सोल्यूटली करेक्ट हायर सब ने हायर 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 बोला है हायर 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 नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज लिसन वेरी केयरफुली इफ डीएल इज वन इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर है इसका मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी इसका मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है मैं ना आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता हूं ये फिक्स कॉस्ट कॉल है पता है तुम्हें ये है जालिम जमाना कौन है ये जालिम जमाना जालिम जमाना नहीं जालिम जमाना, नहीं। जालिम जमाना। गुड अच्छी बात है वेरी नाइस nice. लड़के लोगों की आवाज भी बदल जाती है नहीं आजकल काफी कुछ चल रहा है तो हमें नहीं पता आज की डेट में हम ये भी नहीं कह सकते लड़के लोग वी डोंट नो सो आई विल रिजर्व माय कमेंट्स सो आई डोंट नो किसकी आवाज थी आई डोंट नो हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज यूएस में बड़ा चल रहा है हमारे देश में शुक्र है अभी इतना नहीं आया है बट स्टिल आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन एंड आई से हुए यू आर आई एम प्राउड ऑफ यू आपने अपनी आवाज तो उठाई हम लोग आगे बढ़ रहे थे नहीं सुनो यार हेलो लिसन लिसन ओए लिसन नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इस फिक्स कॉस्ट इज जीरो तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी जो है बराबर होंगे वन तभी होगा ये लिसन वेरी केयरफुली क्या आप कोई भी कंपनी बिजनेस एंटिटी हम देखो किसी झाड़ू मारने वाले की फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं हम कंपनीज की कर रहे हैं कॉरपोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो टेल मी कंपनीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के परस्पेक्टिव से आपको क्या लगता है क्या कभी भी फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सैलरीज जीरो रेंट जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो इज इट पॉसिबल तो इज डीओल वन प्रैक्टिकली पॉसिबल नॉट पॉसिबल तो हम लोग क्या कहते हैं इफ डीओल इज वन देयर इज नो

अगर आपको चल सकती है कोई बता सकते हो एग्जाम्पल कंपनीज हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मुझे एग्जाम्पल देना आई वुड लव टू हियर प्रैक्टिकली इसीलिए हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम क्या कहते हैं हायर द डीओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क इफ इज वन इज नो ऑपरेटिंग रिस्क हाउ आर इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑपरेटिंग रिस्क अनेबल है भाई कुछ भी तनखाओ मैं कहता हूं ह्यूम को रिप्लेस कर दिया ए से फिर भी कुछ तो फिक्स कॉस्ट होगी यार कुछ तो खर्चे होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कोई डेप्रिसिएशन कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कोई टेक्नोलॉजी के आपको फिक्स चार्जेस उसको देना कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट जरूर होगी तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क अनेबल अच्छा मैंने अभी अभी, अभी आपको दो तरह के रिस्क बोले थे एक ऑपरेटिंग रिस्क बोला था एक फाइनेंशियल रिस्क बोला था लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल रिस्क नाउ नाउ ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स असेट्स इट्स बिजनेस जैसा मर्जी कर दो फाइनेंस अरेन्ज करने के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशी है धंधा करने के लिए फाइनेंशी है तो इनऑर्डर टू अरेन्ज इट्स फाइनेंस अ कंपनी में बर्डन इट्स सेल विथ सम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट देखो एक तो था बिजनेस को करने के लिए बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है रेंट सैलरी इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रिसिएशन ठीक है जी एएमसी एम सी एनुअल मेंंस चार्जेस रेगुलर जो आपको देने देने वो फिक्स्ड ऑपरेशन के खर्चे या ऑपरेटिंग खर्चे या बिजनेस के खर्चे हैं ये फाइनेंस का खर्चा है इफ यू वांट टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन ऑर्डर टू अरेंज लॉन्ग टर्म फाइनेंस इफ यू टेक फाइनेंस फ्रॉम सच सोर्चेस सोर्सेज विच हैव अ फिक्स कॉस्ट डज इक्विटी शेयर है फिक्स कॉस्ट येस और नो Fixed cost. I am not saying cost of capital. Does equity have cost of capital? This is not that question. The question over here is Does equity share capital have a fixed cost? No. Does debt, such as debentures, have a fixed cost? I am so proud of you. Good. सर जी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कोविड टाइम्स में फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स वर नॉट वर्किंग तो देर वॉज नो वेजेस उज्वल कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी कंपनीज ने हद मार के कहा था भाई तुम्हारा ट्रैवलिंग अलाउंस कट गया बीस परसेंट काट रहे हैं तीस परसेंट काट रहे हैं दैट्स इट समझ रहे हो बात को और अगर परमानेंट एम्प्लॉयज है तनख्वाह देनी पड़ेगी मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ या तो कंपनी बंद कर लो या परमानेंटली एम्प्लॉइज को निकाल दो तो थ्री मंथ्स की सैलरी देके जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है हम नहीं खेल रहे इनके साथ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस और फैक्ट्री का किराया भी जा रहा था अगर किराए की है अपनी थी तो डेप्रिसिएशन हो रहा था और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ वो जा ही रहा है क्या अरे सुनो हमने नहीं चला रहे थे फैक्ट्री तो सुन इंश्योरेंस कंपनी दो महीने का मेरा जरूरत प्रीमियम ले। अच्छा नाउ, थैंक यू प्रभव लव यू टू थैंक यू नाउ Your subject is saying back to you. Now, oi, oh, hello. Financial risk. We were talking about financial risk. So, in order to finance its assets, a company may burden itself with some financial fixed costs, such as kya debt ka jo interest. Hai, is it a fixed cost? So, in order to finance its assets, a company or business entity firm jo do, may burden itself with some financial fixed cost. Is it okay? फिक्स कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन डेट इट नॉट डेट बेटा डेट टू फाइनेंस है इंटरेस्ट ऑन डेट इज अस्ट डेट इज फाइनेंस हा एंडली करेक्ट आपके दोस्त ने यहाँ पे दूसरा फिक्स कॉस्ट भी बोला उसने कहा प्रेफरेंस में भी फिक्स जाता है बिल्कुल सही बोला फिक्स डिविडेंट आप ही नहीं बोला था ये करेक्ट तो सच एज आपका इंटरेस्ट ऑन डेट विच इज एन एक्सपेंस एंड प्रेफरेंस डिट विच इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बट मैं पहले ही बता दूं मैं आज की क्लास में अगली क्लास में और अगली से अगली क्लास में मान के चल रहा हूं कि कंपनी के पास सिर्फ डेटा इक्विटी है प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि ना प्रेफरेंस सिर्फ कहने को है प्रेफर कोई नहीं करता कोई कंपनी प्रेफर नहीं करती इनको और शेयर होल्डर्स भी प्रेफर नहीं करते यार मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद फिक्स मिलेगा ग्रोथ भी नहीं होगी और मेरा भी वोटिंग राइट भी नहीं है क्यों फंस रहा हूं मैं इससे अच्छा तो उधार दे दू तो जनरली जो फाइनेंस हैं वो भी और जो कंपनीज है वो भी क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डेक्ट पता है आपको इंटरेस्ट आपने अगर इनकम टैक्स पड़ा हुआ है तो उसमें डिडक्शन मिलती है प्रेफरेंस इवेंट की नहीं मिलती एनी हाउ वो सारी बातें हम लोग खुल के प्रेफरेंस जब आएगा तब डिस्कस करेंगे बट अभी बता दूं अभी मैं इनिशियली प्रेफरेंस को बता रहा हूं कि इससे फिक्स कॉस्ट होती है बट इसका इंपैक्ट प्रैक्टिकली दो तीन क्लास के बाद देखेंगे अभी मैं मान के चल रहा हूं कंपनी में सिर्फ डेट और इक्विटी है इक्विटी शेयर कैपिटल है रिटर्निंग हो सकता है और डेट है दैट्स इट प्रेफरेंस नहीं है अभी ये मान के चल रहा हूं तो अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क मेजर करना है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का बर्डन चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे यू कैलकुलेट अ लीवरेज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज शॉर्ट में डीएफएल बट बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर आई एम आस्किंग यूर क्वेश्चन नेक्स्ट सर डीओएल बढ़ने से रिस्क कैसे बढ़ गया है बड़ी सिंपल सी बात है ये आपके दोस्त ने सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं वापस आते हैं उसी एग्जाम्पल पे हेलो दोस्तों सुनना मेरी बात यहां पर इनकी सेल मात्र एक परसेंट डाउन चली गई सिर्फ एक परसेंट इट्स नॉट अ वेरी बिग सम परसेंटेज मात्र एक प्रतिशत ओनली वन परसेंट और ये लॉसेस में आ जाएंगे अभी देख लो यूर से हाउ इट इज मोर रिस्की और यहां पर भी एक परसेंट अब एक छोड़ो पांच परसेंट डाउन कर लो मेरी वला से यहां पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आना इधर फाइव पॉइंट जीरो फाइव परसेंट बस यहां पर 1.01% डाउन चला जाएगा मेरे हिसाब से नेगेटिव 0.001 आएगा शायद चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं मेरे हिसाब से यहां पर जो है एक परसेंट अगर इनकी सेल डाउन चली गई इस केस में लो जी दो तो लाख माइनस वन परसेंट कितना होता भाई वन पॉइंट नाइन नाइन वन पॉइंट नाइन एट सॉरी अच्छा ये फिर कट्टा मारो इसका 99 परसेंट इसका 99 परसेंट बताओ भाई जीरो पॉइंट इसका 99 अच्छा नहीं 99 परसेंट नहीं है सॉरी इसका ये कितना परसेंट हो गया यार एक काम करना सुनो 1.98 ऐसे करेंगे आप 0.99 नाइन नाइन इज इन टू तो मुझे बताओ 1.98 में कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नेगेटिव होना चाहिए शायद देख लेंगे ओरली है बताना यार ये कितना आ रहा है नाइन एट जीरो वन अच्छा फिर तो ये और एक और जीरो वन होगा जीरो 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 वन होगा अच्छा ये बताना आप कितना आया पॉइंट नाइन 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 लैख इसमें से वन लाख माइनस किया लिटल इंपैक्ट थोड़ी सी सेल डाउन गई और आप प्रॉफिटेबल से अनप्रॉफिटेबल हो गए और यहां पे आप पांच परसेंट भी कर दोगे आपको लॉसेस नहीं हो रहे कैसे यहां पर ज्यादा रिस्क है इधर 101 DOL है 101 और यहां 1.012 है यो ठीक है जी फाइनली आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ओके okay. जनकपुरी में बात करवाओ कि किताबें क्यों नहीं पहुंची अभी तक पहुंची हुई होनी चाहिए क्या बात कर रहे हो यहां पे भी किताबें नहीं आई क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग मैं दो तीन क्लासेस से रोज बोल रहा हूं भैया किताब चाहिए किताब चाहिए किताब चाहिए मेरी बात कराना अभी ब्रेक में है। अच्छा प्लीज लेट अस कंटिन्यू नाउ सो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया ईबीआईटी आया जैसे आप अब बनाते हो इनकम स्टेटमेंट अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है वो बाद में बनाएंगे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सुनो भाई लिसन वेरी केयरफुली एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी है बी लिमिटेड ए लिमिटेड का इंटरेस्ट कॉस्ट है दो लाख बी लिमिटेड का है बीस लाख मेरा आपसे यह सवाल है प्लीज <laughs> मेरे को पहले सवाल तो पूछने दो यार तुम अपनी ऑप्शंस बता रहे हो रेज एंड करने तुमने बोलना नहीं है मैं नहीं चीटिंग चुप Which company has higher financial risk? Your option one is a limited. Kare A limited. Virtual students be type of B limited. Third option can't say with this data. Because you have to always see before and after. इससे पहले वाला प्रॉफिट क्या होता है ईबीआईटी e इसके बाद वाला क्या होता है ईबीटी एब्सोल्युटली करेक्ट वर्चुअल स्टूडेंट्स गुड सो फाइनली ईबीआईटी अगर मैं कहूं लेट्स एन एग्जांपल अगेन टू पॉइंट टू एंड हंड्रेड लाख तो ये कट्टा मार के 0.02 पॉइंट टू लाख और यहां पर 80 लाख सो लिसन वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइनेंस इज अस कंपनी में बर्डन इट सेल विथ फाइनेंशियल रिस्क कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्रेफरेंस इवेंट यस नाउ इन ऑर्डर टू मेजर द फाइनेंशियल रिस्क डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड डीएफएल इज कैलकुलेटेड यस डीएफएल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं डीएफएल टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड अगर एक कंपनी में सिर्फ डेट है और इक्विटी है जैसे इस सवाल में सिर्फ इक्विटी तो होगा ही बिना इक्विटी कैसे कंपनी पैदा होगी मालिक नहीं है और सिर्फ वो धारा है ऐसी कोई कंपनी नहीं होती ओनली डेट की कोई कंपनी नहीं होती ओनली इक्विटी की कंपनी हो सकती है ऑल इक्विटी फाइनेंस ये पॉसिबल ऑल डेट फाइनेंस नो इक्विटी नॉट पॉसिबल यह कंपनी नहीं बन सकती अकॉर्डिंगली वॉट एवर टॉकिंग अबाउट इज इससे पहले वाला प्रॉफिट और इसके बाद वाला प्रॉफिट दैट इज से आप निकालते हो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अ कंपनी हैज ओनली डेट एंड इक्विटी नो प्रेफरेंस देन डीएफएल इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी जैसे अब इस एग्जांपल में देखेगा इस तो टू पॉइंट डिवाइड बाय 0.02 लाख 101 एंड दूसरा नंबर 100 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इज ज्यादा रिस्क है ए तो यही चीज हम लोग यहां पर ऐसे कहते हैं इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क टी एफ एल इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल कॉस्ट अगर एक कंपनी में सिर्फ डेट है इक्विटी है प्रेफरेंस नहीं है तो फाइनेंशियल कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट है अगर एक कंपनी में डेट है इक्विटी है प्रेफरेंस नहीं है तो फाइनेंशियल कॉस्ट सिर्फ एक है इंटरेस्ट ऑन डेट इंटरेस्ट ऑन डेट के बाद वाला प्रॉफिट होता है ईबीटी तो डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा दूसरा हायर द डीएफएल डैश द फाइनेंशियल रिस्क हायर द फाइनेंशियल रिस्क आई होप यस हायर द डीएफएल हायर द फाइनेंशियल रिस्क अच्छा

अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं क्या फाइनेंशियल रिस्क अवॉइडेबल है हाउ मेनी ऑफ यू से यस इट इज अवॉइडेबल हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल एक भाई को माइक देना यार सर जी नहीं सर नॉट पॉसिबल क्योंकि इंटरेस्ट का एफ ए वी ये क्या मतलब हुआ यार नॉट पॉसिबल क्योंकि इंटरेस्ट का एफ ए वी फेवरेबल शो शोना मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला हाँ जी yes, आपके हिसाब से क्या कंपनी का उधार लेना मैंडेटरी है यस yes, सर सर क्योंकि अगर हम नहीं नहीं रुको यार शाम तो जाओ ये कहा लिखा है कि उधार लेना एक है सर लिखा नहीं है पर जो कंपनी चलेगी वो माइक माइक पास रखो जो कंपनी चलती है वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से चलती है तो लॉन्ग जो कंपनी चलती है वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग यार एक मिनट इसको हटाना एक बार थैंक यू ओके okay nice companies in india with zero debt okay logi here we go Nice financials, financials. Good, very nice. Okay, guys, please sub look shant to लेटेस्ट सी दोस्त लाना यार इसे दोस्त ये कंपनी का नाम शायद तुमने सुना होगा टी सी एस सर यस सर नो यस सर दोस्त एक काम करते हैं ये इसकी बैलेंस शीट दिखाते हैं अभी आपको और उस बैलेंस शीट को देख के आप मुझे बताना लॉन्ग टर्म डेट कहाँ है लॉन्ग टर्म डेट नहीं है सर कोई डिवेंचर्स कोई कुछ नो, सर। नहीं दिख रहे अगर आप पूछते हैं ओए होए क्या परेशान कर रहे हैं पता नहीं एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है वट एवर तो दोस्त मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा था सर। क्या किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म डेट लेना मैंडेटरी है

डेट yes, लेना सोचो इमेजिन करो तुम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो माइक पे यस yes, सर तुम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो प्राइवेट लिमिटेड तुम्हें डेट लेना कंपलसरी है नो नो सर क्यों no? अभी तो तुमने कहा था यस लेना जरूरी है sir, ऐसे कैसे मान मैं नहीं मान रहा सर मैं इसलिए कह रहा क्योंकि कंपनी जब चलती है बदल गया लड़का हाँ बोलना बोल एक मिनट सुनो यार सुनो सुनो सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कोई बिजनेस इनकॉर्पोरेट जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है

रेस कर लिया okay. या प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते तुम्हें तो पता होगा प्राइवेट इक्विटीज एंड एंड सोन इन्वेस्टर्स ले आए वेंचर कैपिटलिस्ट ले आए कुछ भी ले आए उनसे पैसे ले लिए उनको इक्विटी दे दिया अब क्या जरूरी है कि आपको उधार लेना ही पड़ेगा इज इट मैंडेटरी नो सर इफ इट इज नॉट मैंडेटरी इज इट अवॉइडेबल यस सर बिकॉज डेट लेना या ना लेना वो हमारी मर्जी है एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो हो ही नहीं है मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हां टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे हाथ तरीके ढूंढेंगे कि कम हो जाए अगर पॉसिबल है तो इफ पॉसिबल जीरो नहीं हो सकता अन अवॉइडेबल है वो भाई टेक्नोलॉजी चेंज करके चीजें बदल के इनोवेशन करके कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे बट इट कैन नॉट बी अवॉयडेड बट क्या डेट लेना अवॉइड कर सकते हैं या नहीं यस सर सो इज फाइनेंशियल रिस्क अवॉइडेबल यस सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यस ओके थैंक यू सर वेलकम है जी सो देखिए गॉयस इफ डीएफएल इज वन देर इज नो फाइनेंशियल रिस्क इफ ऑपरेटिंग रिस्क इज हाई फॉर्म शुड टेक लेसर फाइनेंशियल रिस्क एक्सपोजर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क कम लेना चाहिए क्योंकि यह आपके हाथ में उधार लेना ना लेना कम लेना ज्यादा लेना और अब मैं वापस कनेक्ट करना चाहूंगा किंग फिशर को आप बताओ किंग फिशर एयरलाइंस एयरलाइंस बिजनेस में थी क्या उन्होंने बहुत सारी फिक्स कॉस्ट खर्च की होगी नहीं उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट लीज पे ले लिए थे लीज पे मींस लीज रेंट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ गई खूब सारे स्टाफ और माल्या साहब की वीडियो भी दिखाऊंगा जब आप एस एम पढ़ोगे जिसमें कि वो कहते हैं वेलकम टू किंग फिशर एयरलाइंस आई थैंक यू फॉर चूजिंग अस और बंदे ने क्या बोला ड्रिंक्स इज माई प्रोफेशन एंड प्लाइंग एंड फूड इज माई पैशन एंड योर स्टाफ हु विल सर्व यू आई हैव हैंड पिक्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ दम मैंने चुना है जो आपको सर्व कर रही है एयर होस्टस एक एक को मैंने चुना है दिखाऊंगा वो वीडियो एस एम में तब तो आप सोचो वो मॉडल्स लेके आए थे एयर होस्टस की तरह है? आपको लगता है कि उनकी कॉस्ट कम रही होगी एयरलाइंस में उनके रेंटल्स उनके स्टाफ सैलरी ही हैड ह्यूज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का बर्डन और बेवकूफी आपको पता है माल्या साहब यहां से किससे डर के भागे थे बैंक्स से जिनसे उन्होंने उधार लिया हुआ था बैंक्स से डर के भागे थे जिससे कि उन्होंने किंग फिशर एयरलाइंस में उधार लिया होता अपने शेयर भी प्लेज किए हुए थे अपनी पर्सनल गारंटी दी हुई थी जिसके लिए लियमें बैंक ने उन्हें लोन दे दिया था और गए द पॉइंट इज क्या उनका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा था किंग फिशर एयरलाइंस का यस yes! क्या उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा ले लिया यस yes, येस और अभी अभी मैंने आपको बोला था अगर ऐसे में सेल कम हो जाए तो बर्बादी आ सकती है और 2008 में यही हुआ रिसेशन आ गया स्टॉक मार्केट बी का सेंसेक्स उस टाइम पे आज के सेंसेक्स की बात नहीं करता उस टाइम पे 2008 में अपना पीक था उसका 21,000 उससे गिरा 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 और 8400 पे रुका 60 परसेंट वेल्थ इरोड हुई पी सेंसेक्स में और लोगों ने एयर ट्रेवल करना बहुत कम कर दिया और मैं आपको जब ऐसे में आप मेरे साथ पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं इसके अगेंस्ट में आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा हमारी इंडिया की आपने इंडिगो एयरलाइन सुना हुआ है इट वाज प्रॉफिट मेकिंग इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स िकॉज ऑफ द्रैटेजी एंड गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल डिस्कस और ये बर्बाद दोनों आसपास में शुरू हुई थी एयरलाइंस एक प्रॉफिटेबल 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 एक आधा लॉस फिर प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल। और दूसरी लॉस 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 ओनली लॉस और बंद वाई बिकॉज दे हैड ह्यूज ऑपरेटिंग रिस्क एंड देन दे टूक ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क मैंने क्या बोला अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क कम लेना है आप फाइनेंस मैनेजर हो फाइनेंस अरेंज करना आपकी डिसीजन है ऑपरेटिंग रिस्क देखो अपना और अगर आपका डीओएल ज्यादा लिखवाऊंगा इस चीज को बाद में इफ योर डी इज मोर कीप योर डीएफएल लेस फ योर डीओएल इज लेस यू कैन टेक मोर डीओल डीएफएल सॉरी आप कर सकते हो यस yes, अगर आपको दिख रहा है एक्सपेंशन फेज में हमारी हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंशन फेज में चल रहा है इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है हमारी कंपनी भी ग्रो कर रही है सेल बढ़ी रही है बढ़ेंगी तो उसकेस में आप बिल्कुल अग्रीड है आप उस केस में डेट ले सकते हैं अगर आपका डीओएल कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि सेल्स थोड़ी सी बढ़ेगी आपके प्रॉफिट शूट होंगे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था थोड़ी सी सेल्स बदलने से इनके प्रॉफिट शूट अप हो गए थे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों का इंपैक्ट कंबाइंड होकर आता है और उसको हम लोग कैसे कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क इज मेजर थ्रू फाइनेंशियल रिस्क मेजर इज एफ एल फाइनेंशियल रिस्क करने के लिए डीएफएल एंड इन टू मेजर टोटल रिस्क टोटल फिक्साइंडेदर तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज नॉट बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर लेटमी शो यू एन एग्जाम्पल देखो सेल्स में से आप लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट फिर बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से लेस करते हो फिक्स कॉस्ट तो आपका बचता है ईबीआईटी, इसमें से लेस करते हो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट फिर बचता है आपका ईबीटी, इसमें से और लेस करते हो टैक्स ई ठीक है जी अभी मैं सिर्फ यहीं तक ही बताता हूं से सेल्स है दस लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट है पांच लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है पांच लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है ढाई लाख रुपए ईबीआईटी है ढाई लाख रुपए इंटरेस्ट है डेढ़ लाख रुपए ये है एक लाख रुपए तो अगर दोस्तों आपको सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखना है तो आप डीओएल देखो इनको कंपेयर करो डी कैसे निकलेगा बताओ

तो दोनों का इंपैक्ट इकट्ठा इससे पहले वाली फिक्स कॉस्ट और दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले वाला प्रॉफिट और दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद वाला प्रॉफिट दैट इज पांच लाख अपॉन एक लाख तो डीसीएल इज इक्वल टू पांच लाख बाय एक लाख इज इक्वल टू फाइव तो दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद वाले प्रॉफिट को कंपेयर कर लो तो इंपैक्ट पता चलेगा ओवरऑल इंपैक्ट कंबाइंड इंपैक्ट कैसा पड़ा या फिर आप क्या कर सकते हो आपने डीओएल और डीएफएल निकाल रखा है इनको प्रोडक्ट कर दो टू इंटू टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फाइव आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई अपॉन ईबीटी डीएफएल ओ एल इंटू डी एफ एल ये आप देख सकते हैं इज इक्वल टू डी सी एल दट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी टी एंड आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ कमाइंड लिवरेज इज द प्रोडक्ट ऑफ डीओल एंड डी एफ एल अगर एक कंपनी में इक्विटी है डेट है प्रेफरेंस नहीं है अभी मैंने बोला ये मैं इनिशियल में प्रेफरेंस नहीं मान के चल रहा शुरू की क्लासेस में स इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीटी या फिर डीए एल इंटू डी कर लो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ईबीआईटी बी आई टी कैंसिल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन ईबी एंड दट इज अब आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इज एन इंटरेस्टिंग गुड एक्सलेंट चलो लेट अस स्टार्ट राइटिंग प्लीज आप सब लोग लिखना शुरू कर रहे हैं मैं वेट कर रहा हूं भाई फुल स्केल लगाओ लीवरेजेस में थियोरी लिखना शुरू कर रहे हैं द वर्ड लीवरेज इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लीवर ये बेस है लीवर से लीवरेज निकला है अ लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स द वर्ड लीवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लीवर अ लीवर Is an instrument used to lift heavy objects. The dictionary meaning of leverage, the dictionary meaning of.

दिस वॉज लेक्चर नंबर थ्री लीवरेजेस कल कॉन्टिन्यू होगा यूट्यूब पे अब क्लास लेक्चर थ्री के बाद नहीं चलेगी तो आप लोगों के पास नेक्स्ट टू क्लासेस का और एक्सेस होगा हमारी आईजीपी लाइव एप डाउनलोड कर लेना उस पे नेक्स्ट टू क्लासेस और मिलेंगी उसके बाद जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हीं को क्लासेस का एक्सेस होगा तो प्लीज दोज यू हैव रजिस्टर्ड गुड दोज यू हैवेंट जल्दी कर लें और किताब की मुझे ज़रूरत है किताब यहाँ पे आ जाएगी आज आज में आज आज में आ, आ, आ जानी चाहिए अभी क्लास के एंड तक आप लेके जाना फिर सेकेंड जो क्लास है कॉस्ट की क्लास के बाद लेके चले जाना और जनकपुरी में भी, भी भिजवाना सेंटर में नाओ आप लोग अगर लिख चुके हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दें भाई थोड़ा सा ऊपर कर दो मेरे को हटा दो यहां से थोड़ा सा ऊपर कर दो भाई और नीचे लास्ट लाइन कट रही है थोड़ी सी थोड़ा सा ऊपर कर दो तो ये तो हुआ जनरल मीनिंग ऑफ लीवरेज या डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लीवरेज अब हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रस्पेक्टिव से मैं इसको हटाने लगा हूं आप लोग आगे लिखना शुरू कर रहा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग लिख चुके हैं ना इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमा लीवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमा लीवरेज इज द यूज ऑफ वेरियस फिक्स कॉस्ट असेट हटा रहा हूं लीवरेज इज भाई नीचे कर दो वापस से लीवरेज इज द यूज ऑफ वेरियस फिक्स कॉस्ट असेट्स एंड फिक्स कॉस्ट कैपिटल फिक्स कॉस्ट असेट्स एंड फिक्स कॉस्ट कैपिटल टेक्निकल टीम अपना नंबर यहां पर शेयर करो यूट्यूब में इन बच्चों को और इनसे बात करो सो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीवरेज इज द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट असेट्स एंड फिक्स कॉस्ट कैपिटल सच एज डेट्स प्रेफरेंशियल कैपिटल टू इंक्रीज द रिटर्न फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिकों का इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न मैग्निफाई करना है उसके लिए का इंपैक्ट आप देखोगे मेरे साथ बड़ा मजा आएगा थोड़े से एफर्ट से इनकी ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी भागेगी आई शो यू लिटिल चेंज इन सेल्स जिसकी लीवरेज ज्यादा है जिसकी टोटल लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज ज्यादा है उसका ईपीएस शूट होगा एकदम से सॉलिड तरीके से आई एल शो यू लेटर ऑन नॉट राइट नाउ हटा दू हटा रहा हूं फाइनली ठीक है जी नेक्स्ट लीवरेजेस ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो ये लिखो अब लाओ यार मेरे को भी आओ ये लिखो रिस्क ऐसे लिखो ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क दूसरा फाइनेंशियल रिस्क मेजर्ड बाय कंप्यूटिंग अभी डीओ एल लिख देते हैं बाद में फुल फॉर्म तो लिखना ही है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड दिस इज मेजर्ड बाय कंप्यूटिंग डीएफएल ठीक है जी लिखो डी ओ एल को ऐसे लिखते हैं हम लोग डी ओ एल क्या है इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL, your degree of operating leverage, is equal to contribution divided by EBIT and net operating profits. ठीक है जी लिखो इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस कम अ फर्म May burden itself with some operating fixed cost such as fixed rent comma rates and taxes comma depreciation comma insurance premium salaries comma fixed electricity bill comma telephone bill comma etc this results in a risk That irrespective of the amount of sales from these fixed costs will be. Incurred. Full we'll stop. Dol is a tool of measuring operating risk. Full we'll stop. Higher the dol. comma higher is the operating risk we'll if dol is 1 comma then we can conclude that there is no operating risk full stop however it is not practically possible As incurrence of operating fixed costs is inevitable in every business. And hence, operating risk as incurrence of operating fixed cost is inevitable in every business, and hence operating risk is unavoidable. स्टॉप वेट कर रहा हूं नीचे कर दे थोड़ा और नीचे तुम एग्जाम कैसे लिखोगे मैं भी लिख रहा हूं तुम भी लिख रहे हो सर हमें मोती पिरोने होते हैं पहली लाइन से भाई तुम्हारे बाजू वालों ने लिख रखा है उनसे देख लो बाकी सब ने लास्ट लास्ट लाइन लिखनी है बस हटा रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ हटाने लगा जब बोलोगे तो हटाऊंगा भाई वेट ही कर रहा हूं आप लोगों के क्या चीज पॉसिबल एज इनकरेंस इनकरेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज इनएविटेबल इन एवरी बिजनेस एंड हेन्स ऑपरेटिंग रिस्क इज अनवॉइडेबल हटारो ओके फाइनेंशियल रिस्क लिखो लिखो फाइनेंशियल रिस्क आगे लिखो फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स अ सेट्स एक सेकंड तो हो गया बोलते ही तुम्हारे इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स असेट्स कमा अ कंपनी में बर्डन इट सेल विथ सम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्रेफरेंस इवेंट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स असेट्स a company may burden itself a company may burden itself with some financial fixed costs such as interest expense एंड प्रेफरेंस इवेंट्स हटाने लगाओ नेक्स्ट पेज ले रहा हूं तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का बर्डन है तो उसको मेजर करते हैं उसका इंपैक्ट को मेजर करते हैं डीएफएल से हटा रहा हूं फाइनली ओके इन ऑर्डर टू मेजर फाइनेंशियल रिस्क लिखो इन ऑर्डर टू मेजर फाइनेंशियल रिस्कमा Degree of financial leverage bracket made DFL is computed. Degree of financial leverage bracket made DFL is computed. हटा रहा हूं डीएफएल है क्या नेक्स्ट पेज ले रहा हूं डीएफएल इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क डीएफएल इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क So, DFL is the relationship between EBIT and profits after financial fixed costs. स्टॉप इनकेस ऑफ अ कंपनी हैविंग ओनली डेट बट नो प्रोफेंशियल कैपिटल डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी पॉन ईबीटी यहां तक लिख चुके हैं आगे लिखते रहे हटा दो इसे हायर द डी एफ एल हायर द फाइनेंशियल रिस्क हायर द डीएफएल हटा रहा हूं फाइनली हायर द डीएफएल हायर द फाइनेंशियल रिस्क ये हट रहा है एक मिनट अभी भी इफ डीएफएल इज वन There is no financial risk. Ataro. If DFL is one, there is no financial risk. If operating risk is high, the firm should take lesser financial risk exposure. If operating risk is high, comma फर्म शुड टेक लेस फाइनेंशियल रिस्क एक्सपोजर जैसे ये हो जाए नेक्स्ट सेटिंग डाल देना डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ब्रैकेट में डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ब्रैकेट में डीसीएल यार तो थोड़ा ऊपर कर दो ऊपर कर दो थोड़ा सा और 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 और, बस तो ठीक है मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ब्रैकेट में डीसीएल इसको डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज भी कहते हैं तो आप लिख सकते हो ओबली डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज ब्रैकेट में डीटीएल ज ज्यादा फेमस नाम है डीसीएल ज्यादा यूज होता है बट डीटीएल भी हो जाता है कभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये क्या आ गया? DTL, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा नहीं होना चाहिए हटा दे हटा रहा हूं लाओ यार नीचे कर दो इसे इसे नीचे कर दो भाई थैंक यू सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज लिखो द ऑपरेटिंग रिस्क इज मेजर्ड बाय डीओल ये तो आपने देख ही लिया एंड फाइनेंशियल रिस्क इज मेजर्ड बाय डीएफएल ये भी आपने देख लिया द ऑपरेटिंग रिस्क इज मेजर्ड बाय डीओल And the financial risk is measured by DFL. So, in order to measure the total risk or the impact of total fixed charges, combined together. इम्पैक्ट ऑफ टोटल फिक्स चार्जेस कंबाइंड टुगेदर रैकेट में बोले दो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट डीसीएल इज कंप्यूटर डीसीएल ओब्लिक डी टी एल भी लिख सकते हो ज्यादा फेमस डीसीएल है हटाने लगे ठीक है जी लो जी तो डीसीएल इज द प्रोडक्ट ऑफ ड्यूएल एंड डी नेक्स्ट पेज ले रहा हूं डी Is the product of DOL and DFL? Low DCL is the product of DOL and DFL. In case There is debt and equity capital हटा रहा हूँ अब बढ़ा दूँ In case there is debt and equity capital but no preference capital DCL can be computed as follows So DCL is the product of DOL and DFL पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है डीसीएल इज द प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड डीबल खत्म बात और आगे भी there is इज equity capital and no preferential capital, DCL can be computed as follows. जो लोग यहां तक लिख चुके हैं कई लोग रुक चुके हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड इसी चीज की है इसके बाद लिखना है इसके बाद लिखना है डीसीएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी इसके बाद लिखना है भाई पहले बोल दो यहां के बाद पहले मत लिखना शुरू कर देना जो लोग पूरा लिख चुके हो उनके लिए कि वो लोग वेट ना करें या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं और इज इक्वल टू प्लेस यू डी ओ एल इन टू डी एफ एल डी ओ एल कैसे निकलता है आप पूरा लिखना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा लिखना और फिर डी एफ एल निकलता है ई बी आई टी अपॉन ईवीटी मैथमेटिकली आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीटी बच जाएगा आप लोग अगर लिख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यही दिखा दूं, हटा दूं यही चीज है सेम इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी या डीओएल इनटू डीएफएल या कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो अभी पूछ लो नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा वेट कर रहा हूं जब तक आप लोग हरी झंडी नहीं देंगे तब तक नहीं बढ़ रहा स्लाइड ऊपर कर दें ऊपर कर दो यार थोड़ा सा पिछली स्लाइड दिखानी है भाई वापस कर दे नीचे पिछली स्लाइड लो बस ये लो भाई नेक्स्ट पे ले लू बढ़ जाए लाओ यार मेरे को भी ले आओ, थैंक यू ये यही वाली चीज आपने ऑलरेडी मैंने पीछे लिख दी थी वहां पे, ठीक है कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ गाइस, ऐसा है अब ये जेस निकालने से पहले अक्सर आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी इनकम स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं होगा अगर नहीं मांगा है तो बट वर्किंग्स तो दिखानी पड़ेगी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आया ईबीआईटी कैसे आया ईबीटी कैसे आया वो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी तो मैं इसीलिए इनकम स्टेटमेंट अक्सर वर्किंग नोट्स में बनती है मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं तो so, दोस्तों ये है फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का लिखो सबसे पहले आपने लिखना है सेल्स इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट लेस सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो जो बचता है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनओपी इसमें से लेस कर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कटने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप लेस कर देंगे इनकम टैक्स तो ये इनकम टैक्स काट के जो बचेगा उसे कहते हैं ई ए टी अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर प्रेफरेंशियस नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स कहलाता है पर अगर प्रेफरेंस है तो मैं यहां पे माइनस करके लिख देता हूं एक ही बार प्रेफरेंस इवेंट्स अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं नहीं है बट जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो पहले ही कर देता हूं एक ही बार बनवा देता हूं तो प्रेफरेंस इवेंट्स इफ एनी अभी तो मान के चल रहा हूं है ही नहीं एनी है ही नहीं तो so, ये माइनस करके जो बचेगा इसे कहा जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या शॉर्ट में ई अर्निंग्स या प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी को कोई डाउट है तो बताओ आपको डाउट है नहीं अच्छा बॉटल ऐसे ली हुई थी मुझे लगा चलो जी फाइनली मैं इसको हटा रहा हूं इज इट ओके नहीं फाइनली हटा रहा हूं ज इट फाइन नाओ लाओ यार मेरे को भी लिया सुनो दोस्तों ऐसा है नाउ लेट मी शेयर विद यू भैया मेरी वाली किताब का है ओह में दबा के रखी भैया ये नाओज ये आपकी बुक है मैं इसको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं इसके बारे में बुक में सुनो पहले दो चैप्टर थियोरी है आपको कोई थियोरी अभी नहीं पढ़नी है आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है सब मैं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को जो पहला चैप्टर करा रहा हूं इज फाइनेंसिंग डिसीजन लिवरेजेस विच इज इस बुक में चैप्टर नंबर सिक्स ये जिस हिसाब से आपके स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर है मैंने उस हिसाब से चैप्टर नंबर रख दिए यहाँ यहां कि चलो स्टडी मटेरियल में भी चैप्टर नंबर सिक्स लीवरेजेस है तो हमारी किताब में भी चैप्टर नंबर सिक्स लीवरेजेस है नाउ लेट मी टेल यू आपको मेरी किताब और मेरे टेस्ट के बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है माई मटीरियल कवर्स एवरीथिंग ए के स्टडी मटेरियल में कुछ गलतियां हैं मैंने पूरी कोशिश करके उनको ढूंढ के आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट किया है आंसर्स ये बुक जो है इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं मैंने पहले भी बताया था एक है देखो शुरू में तो चैप्टर की थ्योरी दी होती है थ्योरी कॉन्सेप्ट इक्वेशन सब कुछ दिया होता है उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स है जो कि आपका होमवर्क होगा आज विषय में होमवर्क नहीं देता क्योंकि अभी सबके पास किताब नहीं है तो आई नॉट गिव होमवर्क बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स तो मुझे देना ही पड़ेगा इसमें फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बाद अनसोल्व प्रॉब्लम्स है सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स जिसका कि मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं बट क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में आपको टॉपिक्स के नाम लिखवाए थे और मैंने आपको कहा था इतनी रेंज मार्क्स के हैं पर अगर मैं पिछले दस अटेम्प्ट देखूं और दस के दस अटेम्प्ट में जो आए हुए चैप्टर्स हैं उनको मैं रखता हूं कैटेगरी ए और जो चैप्टर्स सिक्स टाइम्स आउट ऑफ टेन टू नाइन आउट ऑफ टेन आए हुए उनको कैटेगरी बी और जो फाइव आउट ऑफ टेन एंड बिलो को कैटेगरी सी मजे की बात क्या है हमारे एफ में कैटेगरी सी है ही नहीं कोई आपके चार चैप्टर्स हैं जो कि दस के दस अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं दस के दस में हुए। लाना यार सो so ये फोर चैप्टर्स हैं एक आपका लीवरेजेस जो अभी आप शुरू कर रहे हो मेरे साथ दिस हैज कम फाइव टू टेन की रेंज का तो आपने जहां पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं मैं देख रहा था आपके पास वहां जगह है बाजू में लिखो कैटेगरी और लिखो लीवरेजेस के बाजू में लिखो ए और प्रेफरेबली अगर दूसरा कोई पेन है तो दूसरा ए कैटेगरी मींस जब आप रिवीजन भी करोगे सिलेबस खत्म होने के बाद हेलो आपने कैटेगरी ए पहले करने है जब फाइनल रिवीजन भी होगी कैटेगरी ए पहले करने हैं ये दस में दस अटेम्प्ट में आया हुआ है दूसरा नंबर कैपिटल दस के दस अटेम्प्ट में आया हुआ है मोस्टली ये दस का आता है कभी पंद्रह भी आया है बीस का सिर्फ एक दो बार ही आया है बट दैट वॉज वेरी लेस स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये ज्यादातर पांच का है बट कई बार दस का भी आया But mostly five का है, बट मोस्टली फाइव का आया बट हंड्रेड परसेंट इंडेडेंस इसकी रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हंड्रेड परसेंट आया और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग टू ये चार चैप्टर्स आपके कैटेगरी ए हैं मतलब ये चार चैप्टर्स को अगर आप कर लो बताऊं तो आपका आधा पेपर अटेम्प्ट हो गया राधर आधे से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट हो गया 50 मार्क्स में से 25 फाइव टू थर्टी मार्क्स इसमें से आएगा दीज फोर चैप्टर्स आर क्रिटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन उससे नेक्स्ट कैटेगरी बी है देखो ये कैटेगरी बी में रख दी है मैंने थ्योरी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर वैसे थ्योरी भी हर अटेम्प्ट में आया हुआ है बट स्टिल मैं कहता हूं थ्योरी को बाद में करो यार पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करो अच्छा फिर ये जो चैप्टर है यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फ्रीक्वेंसी एट आउट ऑफ टेन थी तो मैंने कहा कैटेगरी बी में रखो टेन ऑन टेन नहीं आया हुआ तो ये पांच से लेकर चौदह मार्क तक का मोस्टली फाइव टेन फाइव टेन फाइव टेन ज्यादातर आया कभी कभी नहीं भी आया देन कैपिटल स्ट्रक्चर फाइव टू फिफ्टीन ये मार्क्स तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था शायद पहले ना तो ये कैटेगरी भी है फिर डिविडेंड डिसीजन मोस्टली पांच का प्रैक्टिकल आया एक बार चार का आया और एक आधिवार नहीं आया बट मोस्टली पांच 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 ऐसे लगातार आठ अटेम्प्ट लगातार फिर नहीं आया फिर चार का आ गया ऐसे करके आए और फिर ये दोनों जो है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग और स्कोप एंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों चैप्टर्स जो है, है टी इसीलिए लिखा हुआ है इनको कैटेगरी बी में रख दिया जबकि इनकी हंड्रेड परसेंटेंडेंस है पहली बोल रहा हूँ ये थियरी है तो मैं कह रहा हूं इनको थोड़ा बाद में करना पहले फोकस ऑन प्रैक्टिकल क्योंकि देखो मैं चाहूंगा कि आपके फुल आउट ऑफ फुल आए एफ ए पे तो इनको करना बाद में ठीक है जी फिर से बोल दू इसकी गाइस चैप्टर वन की रिकॉर्डिंग चैप्टर वन की रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा लेकिन मैं आपको शुरू में करने को नहीं बोलूंगा एक टाइम आएगा मैं बोलूंगा गाइज अब इसका एक लेक्चर है वॉच कर लो इस तरीके से इसका भी एक लेक्चर है वॉच कर लो आफ्टर सम टाइम राइट नाउ वी आर फोकस ऑन प्रैक्टिकल एज सिंपल एज दैट तो वी आर फोकस ऑन प्रैक्टिकल दीज आर थियरी न वॉच बहुत आसान है काफी हद तक तो मैंने ये करवा दिया है टू अ ग्रेट एक्सटेंड मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर के आस पास कवर किया है बट पूरा नहीं हुआ है जैसे भाई पुराने जमाने में सी एफ ओ का रोल क्या था नए जमाने में सी एफ ओ का रोल क्या है छोटी मोटी चीजें कुछ सी एफ ओ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कहा फॉल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे फॉल करता है तो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं सी एफ ओ क्या क्या काम कर रहा है आज की डेट में एंड सो ऑन एन एक्सटेंट कुछ थियोरी मैंने डिस्कस कर दी थी टू एन एक्सटेंट कुछ चीजें जो की प्योर थ्योरी थी जो कि मुझे आगे बहुत ज्यादा रिलेटीनशियल उनका इंटर रिलेशनशिप प्रॉफिटेशन उनको डिस्कस कर दिया बट स्टिल एनी हाउस ऑफ चैप्टर्स विल बी गाइज मैं किस तरीके से किस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं सबसे पहले वी है तो financing decision पूरा खत्म करेंगे पहला चैप्टर लीवरेजिस दूसरा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीसरा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डिसीजन इज गोइंग टू टेक जितने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है लेक्चर्स इन तीनों में लग जाएंगे हमारा फिर उसके बाद डिपेंड करता है डिविडेंड मैं कभी भी कर लूंगा वो मूड पे डिपेंड करता है छोटा चैप्टर है कभी भी कर लेंगे इसके बाद भी कर सकता हूं इसके बाद मैं कैपिटल बेस्टिंग भी पिक कर सकता हूं या डिविडेंड भी वो मर्जी पे देखेंगे

अलग अलग रेशो में आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगे करेंट रेशन ऑनवेस्टमेंट रिटर्न जो कॉमर्स आपने पढ़ी भी हो, कोई बात नहीं। यहां पे इस चैप्टर में, में थोड़ी थोड़ी ये आएंगी डिटेल में यहां पे आएंगी और फिर यहां पे भी ये वाली रेशोज एंड फ्यू मोर रेशो यूज होंगी बात की बात है ठीक है जी अब पढ़ते हैं आगे और अब करते हैं एक आपका अनसोल्व क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम यह आपकी बुक में क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम आप लोग यहां से लास्ट सेंटेंस में पढ़ के बता रहा हूं फिर मैं इसको बड़ा कर रहा हूं पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दो फॉर्म्स है पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दो फॉर्म्स पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड की हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है यह क्वेश्चन सी एग्जाम्स में पहले कभी आके जा चुका है बट आज इतने गिरे हुए सवाल आप एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि ये बहुत बेसिक है तो मेरी बुक का पहला क्वेश्चन है कि इससे हल्का सवाल नहीं है मेरे पास एनी हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट लिवरेजेस कितनी लिवरेजेस निकालनी आती है आपको तीन तीनों निकाल देना डीएल डीएफएल डीसीएल और फिर कहते हैं द फर्म्स की निकालनी है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस कमेंट कमेंट आपने बताना होगा मेरे को ठीक है गाइस तो कमेंट ऑन देयर रिलेटिव रिस्क पोजीशन आपको पता ही है लीवरेज इज द टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क ड्यूअल मेजर्स ऑपरेटिंग रिस्क लेवल मेजर्स फाइनेंशियल रिस्क एंड डीसीएल कंबाइंड रिस्क तो आपने रिलेटिव रिस्क पोजीशन पे कमेंट आपने देना है लीवरेजस मैं निकलवा दूंगा आप खुद भी निकाल सकते हो मैं वेट कर रहा हूं ये क्वेश्चन यहां से देख के या आपके पास बुक है तो बुक में से देख के नहीं तो यहां से देख के शुरू कर दो मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन कॉपी मत करना सीधा आंसर करना डोंट वेस्ट योर टाइम और सोल्व क्वेश्चंस में नहीं अनसोल्व क्वेश्चंस में सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी हुई है वो नहीं देखनी वो होमवर्क का पार्ट है पढ़ते जाओ आगे ये सोल्व क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स नाम की प्रॉब्लम्स वो उसका पहला सवाल आपने पढ़ना है गुड टीनाड यूर एंजॉइंग टूडे क्लास इज अमेजिंग अच्छा लगता है देख के ठीक है जी आपने पढ़ना है और तीनों लिवरेजेस जो है निकालनी है ओके okay गाइस मैं भी डिस्कस कर रहा हूं अब अब तक आप पढ़ चुके होंगे कई लोग तो कर ही चुके हैं मैं भी डिस्कस कर रहा हूं लाओ यार मेरे को भी ले आओ तो दोस्तों ऐसा है मेरे साथ एक और बार ये सवाल पढ़ लो ओके दोस्तों द क्वेश्चन गोज दिस वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस आपने निकालनी है सुन लो मेरा पढ़ाने का तरीका समझ लो मैं आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ने को बोलूंगा फिर उसके बाद अगर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा तो मैं कहूंगा मैं एनालाइज करा रहा हूं ऐसा हल्का क्वेश्चन होगा तो मैं कहूंगा आपने खुद करना है खुद भी कर सकते हो पर मैं तो समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस सेल्फ असेसमेंट सारे मैंने समझाने यहीं पे और प्रेजेंटेशन देनी है जैसी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वो जरूर देखना उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर सकते हो सीधा सिर्फ आंसर निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रेजेंटेशन मैटर करती है आप इक्वेशन लिखोगे फिर उसमें फिगर्स पुट करोगे कोई स्टेटमेंट बनती है स्टेटमेंट बनाओगे जैसे इसमें मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा इसमें मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा देखते हैं अच्छा आपको यह पता ही है कि डी ओ एल कैसे निकलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी दैट इज तीन अपॉन एक सौ पचास तो ये टू हो गया डी ओ एल दूसरा नंबर सेवन हंड्रेड 300 थ्री हंड्रेड ये टू पॉइंट थ्री थ्री बार हो गया टू पॉइंट थ्री थ्री बार अच्छा फिर टी एफ एल इज ई बी आई टी अपॉन ई बी टी वन पॉइंट फाइव एंड यहां पर भी थ्री हंड्रेड बाई टू हंड्रेड वन पॉइंट फाइव फिर लास्ट में डी सी एल इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो या तीन अपॉन सौ कर दो थ्री और सात सौ 200 दो या फिर टू पॉइंट थ्री थ्री बार इन वन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव ठीक है जी सो so, अब आपने क्या करना है राइट right? फाइनली बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट पेज ले लू टूल यस प्रभव बिल्कुल है आशीष टॉक ऑन आर सेंटर हमारे बात करना दे हेल्प यू आउट नाउ फाइनली आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों मेरी मदद जरूरत आपको नहीं है बट स्टिल मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन करवा रहा हूं कमेंट आपने लिखने खुद ठीक है सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन राइट नाउ सॉल्यूशन तो मैं क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ लिवरेजेस दोस्तों पहले ही बता दूं हेलो मैं ना आपको ऊपर से एक चीज और बोलूंगा मैं ना आपको क्वेश्चन के मार्क्स बताऊंगा जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पांच का आके जा चुका है पुराने जमाने में तो पांच मार्क्स के बेसिस पे ना आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है दोस्तों ध्यान देना फाइव मार्क्स क्वेश्चन मीन्स वॉट इन हाउ मेनी मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन सुनो मेरी बात आपको टोटल 195 मिनट्स मिलते हैं 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के और 180 एटी मिनट करने के राइट right? मैं आपको पहले बता दूं हेलो अभी से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है कितने टाइम में और कौन सी चीज पहले करनी है मुझसे बच्चे पूछते हैं सर हम पहले क्या करें फिर क्या करें एफएम करें एसएम करें एमसीक्यू करें क्या करें तो आई एम टेलिंग यू दी अप्रोप्रिएट वे हाउ यू शुड डू इस बार भी मैंने कई बच्चों को जिनको जैसे गाइड किया था एक मिनट अच्छा नाओ वन सेकेंड तो गाइस आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सुनो मेरी बात आपको क्वेश्चन पेपर सेवेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और पंद्रह मिनट आपको पढ़ने के दिए जाएंगे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी फिर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन शेड करना है एमसीक्यू के क्वेश्चन जैसे चार ऑप्शन आपको जो है मार्क करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन होगा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है सुन लो मेरी बात आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ढंग से सत्तर मार्क्स को दो बार रीड करना है सिर्फ रीड और रीड करके आपने डिसाइड करना है मैंने पहली चीज तो आपने करनी है पहले एफएम एसएम पहले नहीं करनी है पहले एफएम करनी है डिस्क्रिप्टिव की बात करो तो और फिर एसएम डिस्क्रिप्टिव करना है सुनना मेरी बात हाउ अटैम्प्ट इन दी मेन एग्जाम तीस मार्क का सवाल है एमसीक्यू आपको मैं इसके कह रहा हूं फोर्टी फाइव मिनट में इसको खत्म करो फोर्टी फाइव मिनट में आपने इसको खत्म करना है डेढ़ मिनट पर मार्क हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है दस मार्क का क्वेश्चन पंद्रह मिनट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो राइटिंग में दस मार्क के वही वाले क्वेश्चन राइटिंग में आते थे अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर में और सिर्फ कैलकुलेशंस करके कैलकुलेटर नहीं मैं तो कहता हूं आप वर्किंग भी कर सकते हो क्या फर्क पड़ता है वर्किंग करो जैसे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कुछ नहीं नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है है उसको केस कह देते हैं यही वाला सवाल ठीक ये तो नहीं इतना गिरा हुआ तो नहीं अगला वाला जैसे क्वेश्चन नंबर टू है थ्री है वैसे वाले सवाल इतना है हल्का सवाल तो एमसीक्यू में आना भी नहीं चाहिए कोई तो ढंका हो तो वहां जो है आपको प्रेजेंटेशन भी नहीं देनी तो द थिंग इज फोर्टी फाइव मिनट्स में आपने दोनों एफएम

आपको 45 फाइव मिनट सुपर लेवल पे टाइम अलाउड है मुझे पता है क्योंकि उसमें थ्योरी भी है कुछ कोई थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है आप जल्दी भी कर सकते हो डिपेंड करता है एनी हो आगे बढ़ते हैं तो एफ के साथ एस आपने 45 फाइव मिनट्स में करना है इसका मतलब क्या हो गया दो घंटा पंद्रह मिनट आपके पास पढ़ रहे हैं बच रहे हैं मेन पेपर के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक घंटा दस मिनट या एक घंटा पंद्रह मिनट आप एफएम को दोगे और एक घंटा पांच मिनट या एक घंटा आप एसएम को दोगे और बड़े आराम से होगा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है एंड इज नॉर्मल और इसमें जब केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बड़ा बेसिक है जब हम लोग करेंगे एसएम केस बेस इज टू टाइम सिंपल सीधा केस है सीधा एनालिसिस है ये केस में ये चीज है ये चीज है ये चीज है ये कंक्लूजन थैंक यू अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट इज द कंक्लूजन थैंक यू बहुत सिंपल है और केस बेस ही आपको एमसीक्यू भी जो है थियोरी क्वेश्चंस नहीं आते डोंट एक्सपेक्ट आपको एक छोटा सा केस, सा का एक केस हल्का सी स्ट्रेटजी है लिक्विडेशन अच्छा ये ये की वाइंडिंग स्ट्रेटजी है बड़ी बेसिक ये अभी कंपनी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बताओ ये प्रोडक्ट में अभी ये इंट्रोडक्शन फेज में ग्रोथ फेज में है मेच्योरिटी फेज में या सैचुरेशन फेज में है, बड़े बेसिक्स बी एनालिसिस में ये बताओ ये डॉग है या मतलब बहुत बेसिक ये डॉग है स्टार है कैश का है आप पढ़ोगे वहां पर अलग या क्वेश्चन मार्क है तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है ये इसकी ये सिचुएशन है ये सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत टाइम से एस्टेब्लिश है ग्रोथ बहुत ज्यादा हो नहीं रही चलो जी ये कैश काओ है थैंक यू मतलब सिंपल इट विल बी प्लेन एंड सिंपल इजी तो फर्स्ट एफएम देन एसएम एनी हाउ ये तो चलो मेन एग्जाम की बात आ गई अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने यही वाली चीज जो एग्जाम में लिखनी है प्लीज राइट अगर डिस्क्रिप्टिव आएगा आपको पहले इक्वेशन लिखनी है सीधे आंसर नहीं लिखने दर इज अ वे हाउ यू आर टू प्रेजेंट सो लुक एट दी स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेजिस दोस्तों आप बता रहे हो मैं बताऊं मैं ही बता रहा हूं एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना, एक पी लिमिटेड का बनाना एक क्यू लिमिटेड का बनाना बस खतम अब मेरी मदद की जरूरत नहीं है अब आपने बस इसमें दिखाना है आपको दोनों फर्म्स का करके फिर पे करना है, वो तो आप करोगे आप में से कोई अभी रेजेंट करेंगे और जवाब देंगे बट उससे पहले मैं सॉल्यूशन दिखा दू मैं अगर एग्जाम में दूं पांच मार्क का सवाल है मैंने पढ़ लिया है ऐसे क्वेश्चन को तो हम एक बार भी पढ़ सकते हैं अच्छे क्वेश्चन को पक्का दो दो बार पढ़ना है अच्छा अब हमने क्या किया अब हमने कहा टी ओ एल इज इक्वल टू एग्जाम में ड्यूएल यूज कर सकते हो इट इज परफेक्ट एवरीबडी नोजी एन पी क्या है एवरीबडी नोज ड्यूएल डी एफ एल डीसी क्या है यू डोंट नीड टू राइट द फुल फॉर्म इट इज परफेक्ट एवरीबडी नोज इट सो कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो लेकिन ईबीआई को आप पूरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इंड टैक्स बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है ई एक्सेप्टेबल है एनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बंदा एवरीबडी नोज ईबीआईटी मीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल सो यू कैन राइट दिस नो इश्यू एग्जाम में क्वेश्चन में भी ईबीआईटी लिखा हुआ था हमने भी ईबीआईटी लिखा तो दिस इज थ्री हंड्रेड लैक्स डिवाइड बाय वन फिफ्टी लैक्स इज इक्वल टू टू इधर सेवन हंड्रेड लैक्स डिवाइड बाय 300 हंड्रेड इज इक्वल टू 2.33 बार खल्लास अब बारी आती है डी की इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन ई बी टी दैट इज से वन फिफ्टी अपॉन 100 लाख इज इक्वल टू 1.5, 300 फाइव डिवाइड बाय 200 हंड्रेड ज इगल टू वन पॉइंट फाइव अब एग्जाम में आप DCL किसी एक तरीके से दिखाओगे मैं दोनों दिखा रहा हूं मैं दोनों दिखा रहा हूं आपकी मर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी करना है या DOL इनटू इन करना है इज योर कॉल तो थ्री हंड्रेड लैक्स बाय हंड्रेड लैक्स इज इक्वल टू थ्री सेवन हंड्रेड लैक्स बाय टू हंड्रेड लैक्स इज इक्वल टू पॉइंट फाइव सिमिलरली आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे डी ओ एल इंटू डी एफ एल दट इज से ऐसे भी कर सकते थे टू इंटू वन पॉइंट फाइव इज इकल टू थ्री एंड वन पॉइंट फाइव ओ टू पॉइंट थ्री थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव थ्री थ्री बार है इंटू वन पॉइंट फाइव इज इकल टू थ्री पॉइंट फाइव पहले यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो मुझसे एनीबडी हैज एनी डाउट्स व्हाट्स एवर टिल नाउ प्लीज आस्क राइट नाउ इफ नॉट हु द कमेंट लाओ यार माइक लेके आओ जल्दी जल्दी अच्छा यहीं पे मेरे पास भी है मैं ही पास कर देता हूँ तो इतनी दूर से आओगे दे दे यार भाई हाँ दोस्त बताओ हेलो सर हाँ जी हेलो सर एज वी कैन क्लियरली सी कि डीसीएल uh, ज्यादा है uh, पहली वाली कंपनी का तो, पहली वाली कंपनी का डीसीएल ज्यादा है हाँ जी पी लिमिटेड का नहीं दूसरी वाली कंपनी का ज्यादा है थ्री पॉइंट फाइव है उसका थ्री है सोच के बोल लड़के तो अगर ज्यादा डीसीएल होता है तो ज्यादा uh, रिस्क दोनों रिस्क ज्यादा आते हैं ऑपरेटिंग भी फाइनेंशियल भी क्योंकि कंबाइंड निकलता है तो फिर उससे हमारी जो पोटेंशियल अर्निंग है वो ज्यादा हो जाती है Thank you. I am not satisfied with the answer. It's not, I'll not give you full out of full in this. Low your mic, low up is mic. Thank you. Thank you. Yes, please. Sir, in the case of DOL, the Q Limited company has a higher DOL. So according to the higher the DOL, higher the operating risk. In the first case, since q limited has higher dol it has higher operating risk uh, in the next case of dfl uh, both companies have similar dfl so their risk uh, relative risk is uh, equal uh, in the next case of uh, combined uh, dcl uh, overall dcl is higher of q limited so the overall uh, risk uh, in relative of uh, p limited is higher of q limited समझ में आया मतलब एक बार फिर से शुरुआत से बोल मतलब मत बोल फिर से बोल के केस में जो क्यू लिमिटेड है उसका अंग्रेजी में बोल जैसे लिखेगा एग्जाम में इंग्लिश मीडियम ही है ना एग्जाम में नहीं नहीं इंग्लिश इंग्लिश मीडियम ही है ना वही बोल ही ही रहा हूँ इन द केस ऑफ डीओएल क्यू लिमिटेड हायर डी इन रेस्पेक्ट ऑफ पी लिमिटेड इन द केस ऑफ डी बोलने की जरूरत नहीं है

सो द फाइनेंशियल रिस्क इज सिमिलर ठीक है इन द केस सॉरी द कंबाइंड डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड इज हायर ऑफ क्यू लिमिटेड सोस्क ऑफ क्यू लिमिटेड इज हायर देन पी लिमिटेड ठीक है बस थोड़ा नीचे। थोड़ा ऊपर नंदी है पांच मार्क के लिए ऑलरेडी मैं ये वर्किंग कर चुका हूं मेरे हिसाब से चार मार्क की तो ये वर्किंग होनी चाहिए नहीं तो कम से कम तीन मार्क की तो होगी होगी इतनी जान दे दू मैं कमेंट्स में मैं तो ना दे रहा आंसर ठीक है भाई को एक पेन और दो चॉकलेट्स गुड बट मैं कैसे लिखूंगा मैं सिंपल लिखूंगा सुनना हुए अंग्रेजी दोनों का डीएफएल सेम है ना अंग्रेजी बोध द कंपनीज आर एक्सपोज टू द सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इसको पूरा आंसर लिखूंगा तो ऐसे बोलूंगा बोध दर एक्सपोज टू द सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पहली बात हो गई सिंस डीएफएल ऑफ बोध द कंपनीज इज द सेमस वी कैन कंक्लूड दैट बोधनीज आर एक्सपोज टू द सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क बट सिंस

कंबाइंड रिस्क ज्यादा है ये आपको बोलना है बस दैट्स इट लिखो आओ शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम मैं भी शुरू कर रहा हूं लिखो 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 बातें नहीं करो नाओ सेंस बोथ The companies have same level of DFL, comma, hence we can conclude. That both P Limited and Q Limited are having the same level of financial risk. Okay? बस मैं इसी के साथ कंक्लूड कर दूंगा ये क्वेश्चन के बाद हाउवर मेरी तरफ से क्लास जो इसके है इसके पास खत्म है सिंस ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ क्यू लिमिटेड इज हायर देन दैट ऑफ पी लिमिटेड Hence, it's overall your combined risk is higher than P limited. see, this is the overall risk be higher, and that is the end of it. I hope you are finding this chapter easy and interesting. गुड वी विल बी डूइंग लॉट मेनी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास सो प्लीज कैरी योर बुक्स इन द नेक्स्ट क्लास आज बुक्स ले लीजिएगा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट कॉस्टिंग का क्लास आई होप तब तक आ जानी चाहिए ठीक है जी एंड नेक्स्ट क्लास से होमवर्क भी मिलेगा तो आधे घंटे का ब्रेक है आधे घंटे बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास शुरू करेंगे सर फास्ट ट्रैक फॉर सेप्टेंबर 24 मैं यार अभी वो साथ के साथ बना रहा हूं सो इट इज नॉट येट लिस्टेड इट इज गोइंग टू टेक मी अ मंथ टू प्रिपेयर सो अभी येट इट्स नॉट अवेलेबल अभी ये रेगुलर बैच अवेलेबल है पिछला वाला रेगुलर बैच अवेलेबल है दिस बैच इज अवेलेबल इट्स योर कॉल ठीक है जी मेरी तरफ से बाय बाय है टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल